हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोपहर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो यार गाइस, इस वाले एपिसोड पे लाइक टारगेट है पूरे भाई 18,000 का। भाई देखो, अब भी कभी ना जा करके सब के सब लाइक टारगेट पूरा करो ताकि नेक्स्ट एपिसोड भाई जल्दी से जल्दी आए। यार गाइस देखो, आजकल ना आप लोग लाइक टारगेट पूरा करवा नहीं रहे हो भाई। देखो ऐसे तो बात नहीं बनने वाला गाइस, अब भी जाओ सब के सब ना एक साथ मिल करके लाइक का बटन फटाफट से दबा दो और लाइक टारगेट भाई पूरा कर दो। बाकी यार गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा था तो आप सभी को गाइस याद होगा कि हम लोग ना लास्ट टाइम भाई बहुत गंदा वाला फंसे पड़े थे। बांध करके मेरे को मारा जा रहा था, मतलब अंडर वाटर माफिया और भी यार बहुत सारे जो अपने दुश्मन है ना भाई, जो मास्क पहन के चमचे है ना भाई, यार वो लोग पकड़ करना अपने को बहुत गंदा मार रहे थे। लेकिन गाइस आपको पता होगा, डग गन की एंट्री होती है और वो ना गाइस एनएसजी सिक्योरिटी के साथ ना भाई मेरे को बचा लेता है। और गाइस आपको पता है गाइस, इस वक्त अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा खतरा है। खतरा गाइस इसलिए है क्योंकि यार हम लोगों ने मास्क मैन को किडनैप कराया ना, तब से यार इतने ज़्यादा बंदे हम पर हमला कर रहे ना गाइस, और आज के दिन में ना बहुत सारे लोग भाई हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता चला है। फिलहाल गाइस देखो, अभी ना आपको पता होगा लास्ट हम लोगों ने भाई अपने लिए ना बहुत तगड़े वाले सिक्योरिटी मंगवाया था, जो कि भाई बिल्लू दादा ने मंगवाया है Z+ सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इन्हीं के साथ ना गाइस, आज हम लोगों ने उन सब के बैंड बजाएंगे जिन्होंने भाई हम पे ना हमला करने की प्लानिंग किया था और हम पे हमला करने की ना प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल गाइस आप लोग ना पहले जा करके मुझे कमेंट करके बताओ कि माइकल का ये वाला लुक आपको कैसा लग रहा है। हम लोगों ने भाई अपना होलिया ना पूरा पहले वाला माफिया जैसा कर लिया है, क्योंकि भाई देखो गैंगस्टर टाइप तो भाई ठीक ठाक लगता है, लेकिन भाई इस वाले लुक में आप लोग यार माइकल को ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए गाइस हम लोगों ने अपना लुक ना थोड़ा चेंज कर लिया है। बाकी चलो यार ठीक है, हम लोग यहाँ पर मस्त कपड़े वपड़े और हेयर स्टाइल सब कुछ हम लोगों ने चेंज कर लिया है और हम लोग आए अपने पूरे फुल सिक्योरिटी के साथ। चलो भैया फटाफट सबके सब बैठो। और हाँ गाइस, इस वक्त बिल्लू भाई ने भाई अपने को ना, मतलब बिल्लू दादा ने अपने को इन्फॉर्म करी है कि यार कुछ लोग ना आ रखे, मतलब आने रखे, वो हम पर हमला करने की ना प्लानिंग वगैरह बना रहे हैं। मतलब बेसिकली ना वो लोग भाई बिल्लू दादा को मारना चाहते हैं और हमें गाइस कुछ भी करके ना भाई बिल्लू दादा को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ना गाइस वही अपना ना सबसे अच्छा दोस्त है। चलो यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी ना गाइस सबसे मेन जो काम है ना गाइस, डगन ने कहा है कि जो न्यू कैन है ना भाई, वो अपने को मारने की प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए ना बहुत सारे बंदे उठा करके लिबर्टी सिटी से लाया है। तो यार गाइस देखो, इस वक्त अपना सबसे पहला काम है ना भाई, जो भी अपने को मारने के लिए आ रखा है ना भाई नीको के साथ, तो उन सबको पहले टपकाना है। और अपने को गाइस लोकेशन वगैरह मिल रखी है। बाकी चलो गाइस ठीक, अपने साथ ना डिफेंडर। अबे यार अपने पीछे वाले सिक्योरिटी कहाँ रहेंगे भाई, अबे थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ यार, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। वैसे गाइस यार देखो, दो दो गाड़ियों में चलने में थोड़ा दिक्कत होती है, पर कोई ना यार अभी ना चल लेंगे थोड़ा सा। भाई देखो यहाँ पर जो लोग हैं ना भाई, वही बहुत धीरे धीरे चल रहे, तो भाई अपने बंदे भी क्या करेंगे यार, मतलब यार यहाँ पर लोग ही ना भाई जल्दी जल्दी चलते नहीं है, तो भाई हम लोग कर भी कह सकते हैं। चलो ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ से निकलने वाले। सबसे पहले गाइस हम लोग ना नीको और उसके बंदों का ना सबक सिखा दें, और बाकी आज अपने को बहुत सारे काम है तो वो काम भी हमें निपटानी है यार। ऑल राइट गाइस, तो चलो भैया ठीक है, इस वक्त डिफेंडर को भगाता गाइस हम लोग ना पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर जहां पर ना गाइस नीको और उसके बंदों का ना भाई हमें ना पता मिला है। तो चलो ठीक है, बाकी अपना डिफेंडर वाला बंदा भी आ ही रहा है। तो ठीक है, अभी ना पूरा फुल सिक्योरिटी के साथ ना हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर ना भाई, जो कि काफ़ी सुनसान है और यहाँ पर भाई कोई आता जाता नहीं है। वैसे गाइस देखो, हम लोग ना थोड़ा सा गलती कर रहे हैं भाई, ऐसे डायरेक्ट जाएंगे ना भाई तो हमला हो जाएगा गंदा वाला। तो हमें एक काम करनी चाहिए गाइस, हमें ना पहाड़ों में ना चढ़ा लेनी चाहिए अपनी गाड़ी को। बाकी तू भी आ जा भाई पहाड़ों पर चढ़ा ले, लेट्स गो। बाकी अपना डिफेंडर काफी ज्यादा पावरफुल है, आई थिंक चढ़ जाएगी। अरे वो बंदा भाई कहाँ निकल रहा है भाई वापस, यार पता नहीं वो दूसरा वाला बंदा कहाँ निकल गया। चलो वैसे कोई, ये देखो भाई कहाँ से आ रहा है भाई पागल यार, तू कसम से, थोड़ा आराम से थोड़ा आराम से। वैसे गाइस ठीक है यार, बंदा ना मतलब सीधा ना जा करके शॉर्टकट लेता हुआ जल्दी से आ गया, और भाई हम ना थोड़ा स्ट्रगल करके चढ़ाए थे ऊपर। बाकी यार गाइस देखो, अभी हम लोग ना काफी दूर आ चुके हैं, अभी हट जाओ सबके सब, हट जाओ साइड हट जाओ। बाकी लेट्स गो, एक सेकेंड गाड़ी यहाँ पर गाइस हमें रोक लेनी चाहिए। वैसे ये जगह थोड़ा ना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा मेरे को, हमें ना इस साइड की तरफ गाड़ी को कर करके रोकनी चाहिए ताकि गाइस किसी को नज़र ना लगे और मतलब कोई देखे ना अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी। वेट यार, यहाँ पर ना गाड़ी खड़ा करेंगे ना गुड़क उड़क जाए, यहाँ पर नीचे ना गुड़क जाए। वैसे ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। बाकी आ जा भाई, तू भी इधर की तरफ आ जाना यार, क्या कर रहा है भाई, उसकी गाड़ी ना चढ़ा नहीं पा रहा भाई, कैसा ड्राइवर है यार। रुको थोड़ा ना इधर की तरफ छुपा देते अपनी गाड़ी को। एंड गाइस हमें ना वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखी थी, तो हमें थोड़ा गाइस सेफ रहना पड़ेगा। चलो गाइस आ जाओ फटाफट से मेरे पीछे पीछे, गन वन पकड़ लो यार, ऐसे काम नहीं बनने वाला। चलो ठीक है, बाकी तू क्या कर रहा है भाई। चलो ठीक है, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दिया, बाकी सारे बंदे इधर है। चलो भैया ठीक है, बढ़िया बढ़िया जो भी वेपन्स मैंने दे रखा है तुम लोगों को ना, सारे वेपन्स निकालो। और अभी गाइस सबसे पहले हमें एक काम करनी चाहिए, बैनकुलर्स वगैरह से निकाल करके गाइस हमें ना इन पर नज़र रखनी चाहिए। वैसे गाइस अगर ना यहाँ से गिर गया ना तो बहुत गंदा गुड़कता हुआ सीधा नीचे जाऊंगा, तो थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा। और ध्यान से भाई, ध्यान से
साला इतनी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना गाइस भीर भीर मत जाना तुम लोग। वैसे यार गाइस देखो यार, हम लोग ना यहाँ पर जो कुछ सोच कर आए थे ना भाई वही निकला है। यहाँ पर ना हेलीकॉप्टर वगैरह दिखाई दे रही है, हेलीकॉप्टर के साथ साथ गाइस यहाँ पर ना काफी सारी गाड़ियां वाड़ियां भी दिखाई दे रही है। हमें गाइस एक काम करनी चाहिए, फटाक से ना भाई अपना फोन निकाल करना एक बार जूम मार करके देखा जाए क्या। रुको 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 भाई एक सेकेंड यार, यहाँ पर तो भाई सच में ना बहुत सारे कमांडो है। कमांडो के साथ साथ भाई यहाँ पर और भी काफी कुछ चीजें हैं। और मेरे ख्याल से गाइस सामने जो बंदा फोन चला रहा है वो नीको है, लग तो रहा है, पर थोड़ा और नजदीक जा करके थोड़ा पता करते हैं। अरे यार गाइस थोड़ा तुम लोग भाई छुप छुप के रहो भाई, ऐसे तो पता चल जाएगा। एंड हाँ गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह बहुत सी चीज़ें रखी पड़ी है, हर जगह सिक्योरिटी यहाँ पर फैली पड़ी है। और यहाँ पर नीचे ना गाइस गोल्ड है, कुछ पैसे वैसे टेबल में रखे हैं यार। यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे नहीं पता। एक ना गाइस फोटो क्लिक करके ना हम लोग डगन बॉस को भेज कर देखते हैं एक सेकेंड। तो यार गाइस खबर पक्की है भाई, मतलब डगन कह रहा है कि नीको बैली की है और यहाँ पर ना वो पैसे वैसे का डील करने आ रखा है, बहुत से बंदो बंदों को यहाँ पर खरीद रखा है सिर्फ उसे हमें मारने के लिए। और ये देखो भाई कैसे ना फोन पर लगा पड़ा है। वैसे चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रही यार फिलहाल। भाई पैसे गोल्ड देखो कितने सारे रखे हैं भाई। यार गाइस एक सेकेंड, नीको यहाँ से कहाँ भाग रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इसको ना ठोकना पड़ेगा साले को। वेट भाई बच गया बच गया। एक सेकेंड अबे भैया हट जाओ सामने सड़ जाओ यार। यार गाइस एक सेकेंड भाई, इसकी सिक्योरिटी के लिए ना सारे के सारे बंदे फैल चुके हैं, लेकिन ये इधर आ रहे तेरी ऐसे के तैसे निकल यहाँ से। बाकी वेट 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 गाइस यहाँ पर ना सारे के सारे स्नाइपर का शॉट ना भाई हेलीकॉप्टर को बचाने में लगे पड़े। वेट यार स्नाइपर से काम नहीं बनने वाला, गन चेंज करो गाइस। और वेट नीको किधर गया। वेट 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 भाई ये तो भग रहा है तेरी ऐसी के तैसी, निकल यहाँ से। ओ वेट वेट अरे गाइस एक सेकेंड, ये पैरासूट तेरी भैंस की डांग, ये क्या चल रहा है गाइस भाई मुझे नहीं पता फिलहाल। रुको मुझे लगता है गाइस इन लोगों ने ना अपने पता लगा लिया था भाई। वेट 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 भाई 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 मारो 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 साले सिक्योरिटी के सामने भाई। यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा बंदे आ रखे ना भाई, और सारे के सारे मिल करके भाई मारे जा रहे हैं। अरे गाइस यार सबके सब मिल करके ख़त्म करो भैंस के डांग, यहाँ पर गंदा सीन चल रहा है भाई। मुझे ना ये नहीं पता था भाई यहाँ पर पैरासूट से इतने सारे बंदे आ जाएंगे भाई नीको को बचाने के लिए। फिलहाल ये कब हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता है गाइस, लेकिन यहाँ पर हो रहा है बस इतना पता है भाई। ये लोग पता नहीं इनको कैसे पता चला क्या करने इधर आ गए। लेकिन एक सेकेंड गाइस यहाँ पर ना सबकी भैंस के डंग भाई, सबके सामने भाई पिस्तल विस्तल लेकर जो मिला वही लेकर आ गए। तुम्हारी ऐसे कैसे निकल यहाँ से। यार रुको रुको गाइस थोड़ा थोड़ा जा करके हम लोग सेफ छुप जाते हैं, बाकी अपने सिक्योरिटी संभाल लेंगे भाई। अरे मारो भाई किधर है तेरी ऐसे कैसे। चलो गाइस एक और गया, फिलहाल एक और बचा पड़ा है। लेट्स को अपने सारे बंदे संभाल लेंगे भाई। यहाँ पर इस टकले को भी हेडशॉट मैंने बजा दिया है, और अभी गाइस स्नाइपर निकालते भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला तेरी ऐसे के तैसे, निकल यहाँ से भाई। हेलमेट और भाई क्या खतरनाक खतरनाक चीजें लेकर आ रखे है भाई। लेट्स को वैसे गाइस देखो अभी ना सारे बंदे के पास स्नाइपर है, और अभी ना गाइस स्नाइपर का शॉट नजर है भाई, कोई बच नहीं सकता। और भाई जो नीको यहाँ से भगा है ना भाई, जैसे उसको भाई किसी ने फोन वोन करके इन्फॉर्मेशन दी। बाकी चलो गाइस ठीक है, अपने सारे सिक्योरिटी लगे पड़े हैं। एंड यहाँ पर ये एक और भाई इसको पड़ा है, चलो अपने सिक्योरिटी ने मारा एक, मैं बजा देता हूँ भाई। भाई एक साथ ना दो तीन पड़ी है शॉट इसको, तो भाई चलो एक और पड़ गई भाई, अपने सिक्योरिटी ने बजा दिया है। एंड यहाँ पर पैसे देखो भाई, चलो गाइस यहाँ पर आने का कोई तो फायदा हुआ भाई, नीको बचकर भाग गया भाई। एक आधी शॉट अगर उसको ही पड़ जाते ना भाई, एक अलग ही लेवल का मजा आ जाता, सुकून मिलता फिर तो। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल पैसे वैसे मिल रहे हैं ना भाई वही बहुत है भाई। यहाँ से ना पैसे वैसे हम लोग लेकर के निकल लेंगे, जो कि भाई ये लोग ना यहाँ पर डील करके हमें मरवाने के लिए लेकर आए थे। चलो ठीक है बाकी गन चेंज करते हैं। और भाई यहाँ पर ना लिटरली बहुत ज्यादा गंदी वाली फाइट हुई भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर बंदे आए ना। और भाई तुरंत हम लोगों ने सारे बंदे को खत्म कर दिया। वेट यहाँ पर और भी है, लेट्स गो। बाकी अपने सारे बंदे यहाँ पर गाइस खत्म करने में लगे पड़े, और ये लोग खत्म भी कर चुके यार। चलो ठीक है स्नाइपर का शॉट तो हो गया, एक आधी गाइस हम लोग ना रॉकेट भी भजा देते तभी तो मजा आएगा। लेट्स गो गाड़ी वाड़ी सब ब्लास्ट करो यहाँ पर, क्योंकि ये सारी गाड़ी हमारे कोई काम का नहीं है भाई, और ना ही हम इनको ना यूज करने वाले अपने सिक्योरिटी के लिए। सारे ना भाई यहाँ पर जो यहाँ पर कमांडो थे ना भाई उनके लिए। अरे गाइस मारो मारो मारो, यहाँ पर नीचे एक है, नीचे एक बंदा है। चलो ठीक है सारे के सारे एक साथ मिलकर के यहाँ पर टपकाने में लगे पड़े। फिलहाल भाई मजा आ गया भाई यहाँ पर इनकी बैंड बजा करके। गाइस देखो आप ही ना हमारे पास ना सिक्योरिटी तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन हम लोग भाई सिर्फ और सिर्फ अपने 7-8 बंदे लेकर आए। और यहाँ पर भाई 7-8 बंदों के साथ जो हम लोगों ने यहाँ पर सीन करा है ना भाई, भाई बंदा रो रहा होगा गाइस। यहाँ पर ना इतने सारे गोल्ड और पैसे लेकर आया था यहाँ पर भाई डील करके हमें ख़त्म करवाने के लिए, लेकिन उसका ना भाई जस्ट उल्टा हो गया भाई। यहाँ पर ना सारे पैसे हमारे हाथ लग गए, और ना ही वो अपने को ख़त्म कर पाया। वैसे ठीक है यहाँ पर ना भाई सारे के सारे बंदे मरे पड़े, एक आधे ना गाइस यहाँ पर भी फोड़ देते भाई। लेट्स गो गाड़ियाँ सारी ब्लास्ट होनी चाहिए तभी तो मज़ा है। अरे गाइस थोड़ा पीछे हटो यहाँ पर इसको एक ब्लास्ट करते। लेट्स गो ओके गाइस, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड, पीछे हटो गाइस पीछे पीछे पीछे
भाई अबे ये क्या सीन है भाई, साला एक दो सेकंड के लिए मैं भाई सब इधर उधर ध्यान का गया, साला यहाँ पर सीधा भाई एयर स्ट्राइक करवाया निको ने। भाई है वो बंदा काफी खतरनाक भाई, मतलब देख रहे हो बंदा ना भाई, या तो उसका चाल था कि हम लोग यहाँ पर पैसों के सामने आए और वो एयर स्ट्राइक करा कर हमें ख़त्म करे, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो चुका है। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर गोल्ड और पैसे जले नहीं है। यार गाइस एक काम करो, तुम सबके सब बैग या फिर अरे गाड़ी भी हमने फोड़ दी यार, यार डिफेंडर ऊपर है, लाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। यार एक काम करते, सबको एक एक बैग पकड़ाते हैं, और लेकिन बैग भी कहाँ से लाएंगे भाई, सूटकेस तो सही है लेकिन ये सारे पैसे ये सारे गोल्ड हमें ले करके जानी है यार कहीं ना कहीं से। गाइस घर वर से ना भाई बैग वैग घर वर से गाइस बैग वैग जुगाड़ करो, और हम लोग ना इन सभी पैसों का ना ले करके भाई जाने वाले हैं, क्योंकि भैया देखो यहाँ पर फ्री में भाई इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो भाई हम लोग यहाँ पर भाई क्यों ही भाई इन पैसों को छोड़कर जाए और इन गोल्ड को छोड़कर जाए। भाई गोल्ड भी काफ़ी सारी है, लेट्स को सबको उठा दे भाई बैग वैग जुगाड़ करके। चलो यार बैग वैग ढूंढते आ जाओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ओके गाइस लेट्स को, तो अभी हम लोगों ने भाई पूरा टेबल साफ कर दिया भाई, यहाँ पर ब्रीफ केस वगैरह काफ़ी सारा हमें अंदर मिला, तो उन सभी ब्रीफ केस में हम लोगों ने पैसे डाल दिया। मतलब यहाँ पर देखो जितने बंदे ना भाई सबके हाथ में भाई एक एक ब्रीफ केस है, और भाई पैसे वैसे ना पूरा भर भर के है, तो चलो ये पैसे अपने बहुत काम आएंगे। बाकी जो गोल्ड था ना भाई उनको हम लोगों ने भाई बैग वैग में करके डिफेंडर के अंदर रखवा दिया है। भैया देखो यहाँ पर आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ अपना। चलो यार गाइस ठीक है, फटाफट ना सभी गाड़ियों में सभी चीज़ों को ना गाड़ी में रखते और भाई यहाँ से निकलते हैं भाई, और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने भाई सबको ना भाई कसम से बहुत गंदा मारा है। चलो यार गाइस ठीक है, फटाफट ना सभी के सभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, और हम लोग भाई यहाँ से ना जितना जल्दी हो सके गाइस निकलते हैं। और हाँ गाइस यहाँ पर ना सभी के बैंड तो बजा दे भाई, तो कोई अपने यहाँ पर अपनी मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कि आकर के भाई अपने को अपने पर हमला होने से पहले गाइस हम लोगों ने अपने आप को बचा लिया भाई, वरना ना पूरी ना हमला करने के लिए लोग तैयारी कर रहे थे। चलो ठीक है फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाकी अपने सारे बंदे भी आ रहे हैं। चलो यार गाइस ठीक है, बाकी अपने बंदे किधर रह गए भाई, चल अरे आराम से भाई, क्या गाड़ी चला रहा है, वेट गाइस नीचे ये किसकी गाड़ी फंसी पड़ी है, एक अरे एक सेकंड गाइस ये तो अपना दुश्मन लग रहा है भाई पूरा यहाँ पर, अरे हमला करना शुरू कर दिए लोगों ने। अरे गाइस रुको रुको रुको, भैंस की टांग इनकी मारो, अबे मारो भाई, पूरा डिफेंडर को ब्लास्ट करने में लगा पड़ा है साला, अगर गाड़ी ब्लास्ट भी ना तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा यार। भाई एक सेकंड ये क्या हो रहा भाई, ये लोग कहाँ से यहाँ पर छुपे पड़े थे, लेट्स गो ये बड़ा साल है, और एक और यहाँ पर बंदे नीचे उतर चुके हैं भाई, भाग कर रहे हो साले तुम्हारी ऐसी के तैसी भाई, यहाँ पर ना गाड़ी लेकर के कसम से छुपे पड़े थे भाई डर के मारे। चलो ठीक है, यहाँ तो गाइस इनकी गाड़ी ना गलती से पलट पलट कर भाई अंदर आ गई। चलो ठीक है भाई, खत्म कर दिया हम लोगों ने सालों को। चलो भैया ठीक है, सबको खत्म कर दिया है, और इस वक्त गाइस वापस से डिफेंडर में बैठकर यहाँ से निकलते हैं भाई, और उस वाले डिफेंडर की तो भाई कसम से ना ऐसी तैसी कर दी भाई इन लोगों ने, पूरा ना शीशा वीसा ग्लास वगैरह सब कुछ तोड़ दिया मार करके। खैर गाइस वो लोग अपना कुछ बिगाड़ नहीं सके, जो ही बहुत बड़ी बात है यार, लेट्स गो यहाँ से निकलते भाई। वैसे भाई सब कुछ भी कहो भाई, ये लोग ना हमला करने की बहुत ही गंदी मतलब प्लानिंग तो कर रहे थे भाई, निको मतलब मास्क मैन का भी कोई चमचा है, हमें किसी तरीके से ना किडनैप करके मास्क मैन का पता करके उसको बचाने का, लेकिन उनको पता नहीं कि जो मास्क मैन है भाई अभी कायो पेरिको आइलैंड में है किसी रिचार्ड्स नाम के डॉन के पास, और वो भाई अब तक ना मास्क मैन को भाई ख़त्म भी कर चुका होगा। चलो यार ठीक है यार, इन सबसे हमें क्या, हम यहाँ से निकलते हैं, और अभी गाइस हमारे पास बहुत सारे पैसे भी आ चुके हैं, जो गाइस हमें ख़त्म करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करने वाला था ना भाई, वो पैसे भी हमारे हाथ में, और हम लोगों ने भाई मास्क मैन को किडनैप किया था वो पैसे भी भाई हमारे पास पड़े। तो चलो भैया ठीक है फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम लोग भाई। ऑल राइट गाइस लेट्स गो, ना सारे सिक्योरिटी वगैरह को मैंने बोल दिया कि भाई तुम लोग ना बिल्लू के बंकर पे चले जाओ, बाकी देखो यार अभी ना सारे गोल्ड और पैसे जो कि अपने को मिला था ना गाइस वो सारा लेकर मैं आ चुका हूँ बैनी के पास। और हाँ यार आपको पता होगा ये जो शोरूम हम लोगों ने डीलरशिप लिया ना भाई, इसका $400 मिलियन अभी हमें उधार चुकाना बाकी है। तो भाई देखो जो गोल्ड और पैसे मिले ना भाई, मैं सोच रहा हूँ भाई इस वाले शोरूम का ना भाई पैसे वैसे पूरा फुल पेमेंट करके ना गाइस वो अपने नाम पे भाई करवा ले एक बार ना कोर्ट में जाके रजिस्टर ना, तो भाई फिर मज़े ही मज़े हैं। वैसे एक सेकंड में आ तो चुका हूँ शोरूम पर, यहाँ पर भाई इतने फटाके वटाके किस बात के फट रही है भाई, वेट एक सेकंड थोड़ा सा सामने चलते हैं, और एक सेकंड भाई यहाँ पर लगता है ना किसी की न्यू कार की डिलीवरी है। चलो यार गाइस ठीक है, फिलहाल ना एक काम करते हैं, अपने डिफेंडर को ना हम लोग यहाँ पर खड़ा करते हैं, और यहाँ पर भाई देख रहे हो मतलब क्या मस्त सेलिब्रेशन चल रही है भाई। ठीक है भाई, गाड़ी कौन सी बिकी हुई, मर्सिडीज के भी कौन लिया है भाई, लगता है इस बंदे ने लिया है, और भाई यहाँ पर ना फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं। चलो भैया ठीक है, तुम यहाँ पर फोटो शूट करवा लो भाई, देखो जब भी कोई गाड़ी लेता है ना भाई तो पूरा फुल मज़े से यहाँ पर पहले फोटो शूट वगैरह होती है, पूरा फुल लगता है ना पूरा फुल सेलिब्रेशन वगैरह हो चुकी है, और गाड़ी भाई मतलब ना इसके नाम पर हो चुकी है। चलो यार भैया ठीक है, लगता है गाइस ये ना अपनी पहली कार यहाँ पर बिक चुकी है,
जो कि बंदा यहाँ से लेकर के निकलने वाला है। वैसे गाइस बंदे का चॉइस तो देखो यार, मर्सिडीज का जो सबसे तगड़ी वाली गाड़ी थी ना भाई, वही लिया है। और ये सांस हम लोगों ने भाई चुराया था मास्क मैन के मैनसन से। खैर अब तो ये किसी और का हमने सेल कर दिया है। चलो भैया ठीक है, बंदा आराम आराम से कैसे चला रहे नई गाड़ी को भाई, ठीक है। मतलब देखो यार शुरुआत तो भाई बंदा ना आराम आराम से चलाएगा यार। ऑल वाइट गाइस, तो बढ़िया यहाँ पर कार की डिलीवरी हो चुकी है। मतलब यहाँ पर ना काफी बढ़िया तरीके से भाई सारे इंतजाम होता है। बाकी एक सेकंड, वैसे यार मैंने ये जो गाड़ी थी मतलब अपनी पहली सेल हुई या फिर और भी गाड़ियाँ भाई पहले बेच रखे हो, पता नहीं गाइस क्या सीन है, लेकिन मुझे लगता है ये पहली गाड़ी थी। नहीं भाई, ये कह रहे कि इससे पहले भी ना तीन तीन कार की डिलीवरी हो चुकी है और ये फोर्थ कार थी। मतलब यार अपना जो न्यू डीलरशिप है ना गाइस काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। पैसे भी गाइस हम लोग अंधा कमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाई चोरी की गाड़ियों को भाई सेल कर रहे हैं मास्क मैन वाले को भाई, मतलब मास्क मैन की गाड़ियां को। बाकी ठीक है, बहन ही कह रहे कि माइकल अभी ना मतलब जो इस शोरूम का ओनर था वो मेरे को बार बार कॉल करके यही पूछ रहा है। वो गाइस बार बार ना बैनी को कॉल करके भाई पैसे मांग रहा है, जो 400 मिलियन डॉलर मतलब कर्जा था, मतलब उधार है। तो यार वो हमें फटाक से उसको देनी पड़ेगी। और गाइस हमें ना उसके बाद यार जो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना गाइस, ये तो पूरी डीलरशिप है ना, वो अपने माइकल के नाम पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ठीक है यार बैनी, अपने पास ना पैसे वैसे डिफेंडर पे ना काफ़ी सारी रखी पड़ी है। मुझे लगता है ना वो 400-500 से भी ज़्यादा मिलियन डॉलर होगा। गोल्ड अलग से है तो उसका अलग से जोड़ो, मतलब टोटल गोल्ड और पैसे मिला के 400 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होगा। तो एक काम कर देगा, सारे पैसों को ना निकलवा लेते हैं और हम लोग भाई बैनी को बोल देंगे भाई देखो काउंट करना और पैसों को इकट्ठा, मतलब एक 400 मिलियन डॉलर उसमें से निकाल कर एक साइड रखना तेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है यार फटाफट से काम करते हैं, डिफेंडर को हम लोग अंदर ही ले आते हैं और सारे पैसे वैसे गाइस यहीं पर छुपा देते हैं डीलरशिप के अंदर। और हाँ गाइस बढ़िया भाई, अपने को पैसे मिल गया फ्री में गाइस। मतलब ना इस वक्त ना अपना शोरूम का जो बाकी का पैसा था वो हो जाएगा, और उसके बाद गाइस जो हमारे पास और पैसे बचे हैं उससे गाइस आपको पता है मास्क मेरे को किडनैप करके जो पैसा है उन पैसों के साथ हम लोग भाई क्या कुछ करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक काम करते, बहन कह रहे गैराज के अंदर ही डाल लो, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब कस्टमर काफ़ी ज़्यादा है और वर्कर वगैरह लगे पड़े हैं सेल्समैन वगैरह गाड़ियाँ वगैरह दिखाने में। तो उधर भाई सारे पैसों को सारे गोल्ड को उतारेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा गाइस। तो हम लोग ना यहीं कहीं पर छुपा देते सभी गोल्ड और पैसों को, लेट्स को ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड चलो भैया ठीक है, फटाफट ना सभी गोल्ड और पैसे गाइस हम लोग यहाँ पर उतारते हैं। चलो भैया ठीक है यार, इस वक्त ना पूरे ना 5 से 6 बैग में यहाँ पर गोल्ड रखा हुआ था। मतलब हम लोगों ने ट्रोलीस उठा करके भर करके गाड़ी में रखा था, और यहाँ पर सूटकेस हमारे पास टोटल 7 से 8 है। मतलब गाइस देखो सभी सूटकेस भाई मतलब पैसे ठूस ठूस के भरे पड़े हैं, बस ना एक पैसे काउंटिंग की मशीन चाहिए और हमें सारे पैसे को गिनना है। तो ये काम मैंने बहनी पे छोड़ दिया है, और अगर पैसे घटेंगे तो भाई 1-2 बैग हम लोग दे देंगे उसको जिसमें गोल्ड भरा पड़ा है। बाकी ठीक है, बैनी बात कर चुका है, ये कह रहे कि शाम तक का मैंने उसको टाइम दे दिया है कॉल लगा करके, और शाम में हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद भाई सारा पेपर वर्क्स भी हमें करना पड़ेगा, तो उसका तो भाई टेंशन नहीं है, कोर्ट जानी है और जा करके साइन वाइन करके भाई अपने नाम करवानी है। चलो भैया ठीक है, शाम में उसको पेमेंट देंगे जो शोरूम का ऑनर है, और पेमेंट देने के बाद गाइस ये जो डीलरशिप है वो अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेंगे भाई। चलो ठीक है, बाकी एक सेकंड बैनी कॉल आ रहा है। चलो ठीक है भाई, बैनी को ना बातचीत करने देते हैं और हम लोग भाई यहाँ पर डिफेंडर लेके चुपचाप निकलते हैं। ऑल वाइट गाइस, तो इस वक्त बैनी कह रहा है कि माइकल इस वक्त ना अपने शोरूम में ना इतने वर्कर वगैरह हम लोगों ने रख नहीं रखा है, मतलब सेल्समैन 2-3 है और जो कि सारे काम संभालती है। तो यार इस वक्त ना बैनी मेरे को कह रहा है कि दो ना कॉल आ रखा है, और वो बंदे मतलब बोल रहे कि भाई हमारी कार्स को ना रिपेयर करनी है। और इस वक्त गाइस बैनी कह रहा है कि हमने अपने शोरूम में ना मतलब लोगों को प्रॉमिस दे रखा है कि हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो घर जा करके या फिर कहीं पर भी खराब हो गई हो वहाँ पर जा करके गाड़ी लेकर आते हैं और रिपेयर करके पहुँचाते भी है। यार इस वक्त बैनी कह रहा है माइकल यार देखो मैं तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन अगर तू फ्री है तो प्लीज़ जा कर ना उन दोनों की गाड़ियों को ले आ ताकि मैं उनको रिपेयर करूँ और अच्छे खासे पैसे वैसे उन सभी बना लूँ। वैसे बैनी कह तो सर भाई अभी ना इस वक्त हमारे पास ना वर्कर नहीं है भाई ये काम के लिए, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और हाँ यार अभी ना हम लोग, और हाँ गाइज अभी ना कस्टमर है भाई वो बार परेशान है, और इस वक्त ना गाइज उनकी गाड़ी फंसी पड़ी है। तो गाइज हमें जानी चाहिए उनकी हेल्प के लिए कम से कम, ताकि जल्दी से जल्दी गाड़ी रिपेयर हो जाए उनकी। और इस वक्त ना बैनी फटाफट से ना टो ट्रक का जुगाड़ करते, मैं जा करके ले आऊँगा। यार कुछ नहीं करना गाइज, जा करना जो गाड़ी ख़राब पड़ी ना उनको टो करके लानी है। चलो एक बार गाइज हम लोग अंदर चलते हैं, बैनी तब तक टो ट्रक हमें दे रहा है। बाकी यार अंदर जाकर देखते हैं कि कैसी कैसी गाड़ियाँ भी अपने शोरूम पर अवेलेबल है। भाई देखो गाड़ियाँ ऑलमोस्ट ना सारी की सारी अभी भी पड़ी है, मतलब 2-3-4 गाड़ियाँ हमारी बिक चुकी है, और मतलब काफ़ी सही चल रही है भाई। यहाँ पर इंडियन कार्स भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड यहाँ पर ऑडी बीएमडब्ल्यू वगैरह भी लाएंगे। यार ऑडी ना अपने शोरूम में 1-2 पड़ी है, लेकिन बीएमडब्ल्यू की एक भी गाड़ी नहीं है।
यार BMW में लाएंगे, और मर्सिडीज तो भाई अभी दो तीन पड़ी है SUV, और एक हम लोगों ने भाई निकाल भी दिया जो कि स्पोर्ट्स कार था। चलो ठीक है, फटाफट गाइस हम लोग बाहर निकलते हैं, और बैनी भाई साहब जल्दी से टो ट्रक दे देना गाइस, जल्दी जल्दी हम लोग अपना काम निपटाएंगे। बाकी यार गाइस एक सेकंड, डंकन बॉस का कॉल था और वो कह रहे कि माइकल काफी टाइम हो गया है, मुझे ना जल्दी से स्टेच्यू चाहिए जो तुम्हारे पास अभी पड़ा है। और उसके साथ साथ गाइस डंकन कह रहे कि तुमसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो बात क्या करनी है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं 2 घंटे बाद ना फ्री हो जाऊंगा, फिर आकर के तुमसे मिलता हूँ, तुम्हारा स्टेच्यू भी तुम्हें दे दूंगा। चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार बैनी भाई सब कहाँ यार, चलो कोई ना गाइस इंतज़ार देखते हैं। और फिर जल्दी से ना बैनी ने जो अपने को काम सौंपा है ना भाई, वो काम करते हैं, निपटाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी ये टो ट्रक लेकर के आ चुका है, ठीक है टो ट्रक तो आ चुका है, लेकिन फटाफट भाई तू मेरे को फ़ोन पर लोकेशन वगैरह भेज दे ताकि मैं उन कस्टमर के पास पहुँच सकूँ और उनकी गाड़ियों को भाई यहाँ पर ला सकूँ। ठीक है ये कह रहे मैं तुम्हें ना लाइव लोकेशन तुम्हारे फ़ोन पर शेयर कर देता हूँ, बाकी तुम फटाफट से यहाँ से निकलो, क्योंकि वो लोग इस वक्त ना भाई एक ना बंदा है जो कि हाईवे पर पड़ा है, तो उसको ले जाकर मतलब जा कर के लानी है, और एक गाय एक्सीडेंट हो रखी है तो उसको भी जाकर लानी है। चलो यार गाइस बहुत मुश्किल काम दे रहा भाई बहनी अपने को। चलो यार अभी डीलरशिप चला रहे और इतना महंगा डीलरशिप लिया है, तो भाई देखो सारी चीज़ों को सारे काम को भाई अपने को भी संभालना पड़ेगा ताकि डीलरशिप अच्छे से चले, और अगर कस्टमर खुश नहीं होंगे भाई तो अपनी शोरूम भी भाई ठप पड़ जाएगी। तो हमें भाई बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेनी नहीं है, अदरवाइज़ दिक्कत पड़ेगी बाद में जा करके। चलो यार गाइस ठीक है, फटाफट यहाँ से निकलते अपने लोकेशन पर और जाकर ना पहली गाड़ी को हम लोग उठा कर लाते, जो कि एक एक्सीडेंटल कार है, और वो गाइस हमारा इंतज़ार कर रहा है एक जगह पर। लेट्स गो, निकलते सीधा गाइस हम लोग ना गाड़ी को लेने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी गाइस हम लोग अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर भाई जिस बंदे ने कॉल किया था और अर्जेंटली जल्दी से जल्दी बुलाया है। फिलहाल यार यही आसपास का लोकेशन था, बोल रहा था एक्सीडेंट ना बहुत गंदी हुई है, और यहाँ पर वेट शायद से गाइस वो वाली गाड़ी है जिसमें से स्मोक निकल रहा है। भाई लगता है कुछ ज़्यादा गंदी क्रैश हुई है भाई, इधर देखो लाकर सीधा पोल पर भिड़ाया बंदे ने, सारे गेट वेट सब कुछ टूटा पड़ा है। अरे भैया मैं आ गया सांसी है, मेरे को ही कॉल कर रहा था। रुको गाइस फटाफट से ना जाकर देखते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। और भाई एक सेकेंड भाई, इसको लगी भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो यार गाड़ी अच्छी मजबूती, इसलिए भाई इसकी जान बच गई, अदरवाइज ये बंदा मर ही जाता यार। फिलहाल बेहोश हो गया भाई, अरे उठ जा भैया, लो भाई थोड़ा हिम्मत रखो। फिलहाल यार इसकी देखो यार इतनी बुरी हालत हो रखी है, लेकिन इसको भी अपनी गाड़ी की पड़ी है यार, लगता है ना गाड़ी से ना कुछ ज़्यादा ही भाई प्यार है बंदे को। चलो ठीक है, ये कह रहा है चलो भैया ठीक है, ये BMW की गाड़ी है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रखी है, और इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी ना भाई बहुत ज़्यादा आने वाली है। अरे भैया तुम यहाँ से हॉस्पिटल निकलो, बाकी ना गाइस अभी हम लोग फटाफट ना इसको हम लोग टॉक करके यहाँ से निकलते हैं भाई, मतलब ना कुछ ज़्यादा गलत सा सीन हो रखा है। और इस वक्त ना भाई एक सेकेंड गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट ना इसको ना भाई एक सेकेंड पहले टॉक करना पड़ेगा और इसको लेकर हम लोग चलते हैं। भाई देखो इसमें ना भाई मोटा खर्चा आने वाला है, क्योंकि जो इंजन है भाई मुझे लगता है वो भी डैमेज हो चुका है। और गाड़ी को उठाते हैं और लेकर के यहाँ से निकलते हैं। भाई देखो धुआं कैसे निकल रहा है भाई, पूरा इंजन इसका ख़राब हो चुका है, पूरी भाई चीज़ें चेंज होगी ना, तो मतलब यार अभी ना अगर ये गाड़ी भाई अपने से रिपेयर करवाता रहा भाई, मतलब अच्छा खासा अपने आप कमाई होने वाला है, क्योंकि तो भाई गाड़ी में ना मोटा पैसा लगने वाला है भाई। फिलहाल बंदा जिंदा बच जाए तो ही यार, वैसे ठीक है बंदा तो यहाँ से निकल चुका है हॉस्पिटल के लिए, हम लोग भाई इसको लेकर सीधा निकलते हैं बैनी के वर्कशॉप पर, मतलब सॉरी अपने न्यू डीलरशिप पर, वहीं पर जाकर गाइस हम लोग रख देंगे। साला पूरे रोड पे देखो भाई कैसे धुआं करते जा रहा हूँ मैं, साला तो पुलिस वाले देखेंगे ना भाई, वो भी अलग से रोक के भाई कुटाई करेंगे, पूरा पॉल्यूशन फैला रहा हूँ मैं। चलो यार वैसे कर भी कह सकते भाई, एक्सीडेंटल कार है और आग लग जाए इससे पहले भाई हमें ना भाई गैराज तक ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज भाई इसकी ना गाड़ी फट सकती है, और भाई गाड़ी फटी तो मैं भी फट सकता हूँ यार। चलो यार गाइस ठीक है भाई, पहली गाड़ी लाते लाते भाई अपनी फट चुकी है भाई, गाड़ी इतना ज़्यादा धुआं फेंक रहा है ना भाई, लगता है ना इंजन ब्लास्ट ना हो जाए, मुझे बस इसी बात का डर है। ऊपर से डंकन बॉस कॉल करे जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, माइकल जल्दी से आ जाओ यार, इंपॉर्टेंट बातें क्या ये समझ नहीं आ रहा भाई। वैसे चलो यार एक काम करते भाई, बैनी को बोलते यार भैया ये काम ना किसी और से करवा ले, या तो भाई थोड़ा टाइम में दे दे, मेरे को डंकन से जा कर के मिलना है। चलो ठीक है, बाकी ना गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके अपने डीलरशिप पर, ले जाकर गए सीधा ना गैराज के अंदर ही भाई इस BMW को डाल देते हैं, और भाई इस वक्त इसका ऑनर बस जिंदा बच जाए, एक्सीडेंट भाई बहुत गंदा घायल हुआ था बंदा, लेकिन उम्मीद है भाई वो बच जाएगा, इतना भी ज़्यादा चोटें लगी नहीं थी उसको। चलो ठीक है, बाकी इसको फटाफट से नीचे उतारते हैं, और ओके चलो भैया ठीक है, एक गाड़ी अपनी आ चुकी है। बाकी यार गाइस एक सेकेंड भाई, गाड़ी के तो भाई क्या गंदी हालत हो रखी है, बैनी को बोलते भाई फायर ये धुआं वगैरह मिटाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आ भाई, पानी वानी डाल, कुछ गैस वैस डाल भाई, ऐसे तो भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है भाई। वैसे गाइस देखो गाड़ी का ना
गाड़ी ना सच्ची में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अब ना भाई इसको हम लोग अंदर लेकर के जाएंगे कैसे यार, क्योंकि ये जो टो ट्रक है वो इस वाले शटर से अंदर जा ही नहीं सकती। यार बैनी संभाल लेगा, फिर बैनी को कॉल करते भाई बाहर आया, भाई क्या कर रहा है यार। यार एक सेकंड बैनी, वेट मैं इधर से अंदर जा रहा था, ये भाई बाहर आ रहा है। रुको रुको रुको, बाकी गाइस एक सेकंड, यहाँ पर ना गाड़ी कंडीशन देख बैनी कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है यार। भाई सच्ची में ना ये गाड़ी फट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। इसको अंदर लेकर के जाएगा कैसे ये समझ नहीं आ रहा। वैसे इसकी इंजन भी स्टार्ट होगी या फिर नहीं ये भी नहीं पता, एक बार करके देखे क्या। नहीं 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 गाइस, बैनी ना मना कर रहा है, ये कह रहा भाई इंजन विंजन फट गए ना दिक्कत हो जाएगी, भैया बाहर निकलो। यार जब तक ये स्मोक ख़त्म नहीं होता ना तब तक गाइस हमें ना यहाँ से भाई शांत रहनी चाहिए भाई, ज़्यादा ना हीरोगिरी नहीं दिखानी चाहिए भाई। चलो यार गाइस ठीक है, बैनी ना इसकी आग वगैरह बुझाने में लगा पड़ा है और इस वक्त तक ये कह रहे माइकल एक और लास्ट काम कर दे, एक ना विंटेज टाइप कार है जो कि बहुत पुरानी है और वो कोई बुड्ढे का है, तो वो बस जा कर के घर से उठा कर लाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, उसके बाद तू जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। और बैनी इस वक्त काम कर रहा है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता भाई। और अगर और भाई देखो जो विंटेज कार वाला बंदा है ना उसने भी यार कल ही कॉल किया था, और इस वक्त गाइस जल्दी अगर हम लोग अपनी सर्विस को बढ़िया नहीं सुधारेंगे ना गाइस, जल्दी जल्दी अगर हम लोग काम नहीं करेंगे ना तो कस्टमर नाराज़ होंगे और फिर गाइस अपना ना अपना रेटिंग गिरेगा अपने शोरूम का, डीलरशिप का, और फिर यार धंधा बंदा बढ़िया ढंग से चलेगा नहीं यार। तो चलो ठीक है, बैनी कह रहा है तो एक और लेकर आ जाता है, ये लास्ट है, और बाकी बाद में अगर कोई आता है तो भाई वो बैनी संभाल लेगा यार। चलो यार ठीक है, फटाफट ना टो ट्रक को भगाते और जाकर ना भाई वो ओल्ड विंटेज कार को लेकर आते हैं जिसको गाइस हमें ना रिपेयर करना है। और हाँ गाइस इस वाले काम में ना मतलब रिपेयरिंग वाले में ना बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हो गए हम लोग, तो क्योंकि देखो इतना ज़्यादा रिपेयर करेंगे भाई, इतना ज़्यादा बॉडी पार्ट हम लोग लाकर लगाएंगे और कस्टमर से भाई अंधा पैसा लेंगे भाई, तो भाई मतलब अच्छी खासी पैसे आने वाला है। चलो ठीक है, फटाफट हम लोग निकलते सीधे हम लोग लोकेशन के लिए। ओके गाइज, और इसी के साथ हम लोग अपने सेकेंड डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं मजदूरी करने के लिए। भाई माफिया यार क्या कुछ करवाया जा रहा है बैनी। वैसे चलो यार हमें ना अपना माफिया के साथ साथ भाई बनने के साथ साथ हमें बिजनेस भी संभालने यार। वैसे ठीक है, लोकेशन गाइज मेरे को ना यहीं कहीं का मिला था, एक बार ना हम लोग कॉल कर लेते हैं, एक बार फोन निकाल कर लोकेशन ही चेक कर लेते हैं। अच्छा 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 गाइस बगल वाला ही घर है, तो अभी ना भाई अंकल जी से बात हुई वो कह रहा है मैं बाहर ही खड़ा हूँ भाई। रुको 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 गाइस, हमें ना बैक करके जाना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर ना गाड़ी मेरे को इसके घर के बाहर एक तो दिख रही गाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा सड़ा हुआ पुराना सा लग रहा है। ठीक है गेट ओपन हो जा, और भाई इन अंकल जी को देखो भाई चलना फिरना हो नहीं रहा, और पता नहीं गाइस जिनको रिपेयर की करवानी इस वाले गाड़ी को, हो सकता है भाई घर में कोई होगा यार अपने बेटे अपने पोते को देगा। चलो यार ठीक है यार, गाड़ी वैसे कंडीशन इसकी भी गंदी है पर चल जाएगी। चलो अंकल जी ठीक है, हफ्ते भर में ना ये रिपेयर कर देगा अपने बहनी, फिर आकर के ले जाना या फिर किसी को भेज देना। चलो गाइस ठीक है, ये गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, मतलब ना यार इसकी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा पुरानी है यार, मतलब बॉडी देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा सड़ी हुई है यार। चलो ठीक है, फटाफट ना गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलते हैं और इस वाले गाड़ी को भाई हम लोग ना फटाफट बहने के गैराज तक पहुंचा देते हैं। वैसे गाइस आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भैया अड़ जाओ रास्ते से अड़ जाओ भाई। वैसे गाइस देखो अभी ना डबल वेट मेरे को कैरी करना पड़ रहा है, तो गाड़ी की स्पीड ना बहुत धीरे जाने वाली है यार। चलो यार ठीक है भाई, इसको लेकर चलते भाई, उम्मीद करता हूं भाई दूसरा कोई कॉल ना आ जाए, अदरवाइज गाइस मेरे को वो गाड़ी भी लेने के लिए जाना पड़ सकता है। वैसे उम्मीद है भाई ना आए, क्योंकि यार डगन मेरा इंतजार कर रहा है और डगन से जाकर मेरे को मिलना है। लेट्स गो, फाइनली इस वक्त हम लोग अपने लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। बाकी वेट, जो अपना डीलरशिप था वो बगल में ही है, तो पीछे वाले रास्ते से चलते हैं और इस वाले गाड़ी को ना ले जाकर हम लोग बैनी भाई साहब को दे देते हैं। वैसे गाइस देखो अभी ना हम लोगों ने एक BMW लाया और एक विंटेज कार लाया है, तो इन दोनों को रिपेयर करने के बाद जो भाई अपना प्रॉफिट होने वाला गाइस वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, मतलब पैसा ही पैसा होने वाला गाइस। फटाफट इसको हम लोग नीचे उतार देते हैं। और बैनी भैया किधर है? अरे कैसे, अबे छोड़ दे भाई ये तो अटक ही गया। चलो छोड़ो यार, बैनी संभाल लेगा, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, डगन से मिलना है और मैंने इसका काम कर दिया भाई वही बहुत है। बाकी यार बैनी ठीक है ना, यही गाड़ी थी ना। वैसे भाई देखो इस वाली गाड़ी की कंडीशन ना सच में बहुत बेकार है भाई, मतलब देख रहे हो पूरा गंदा सा हो रखा है। चलो ठीक है, बाकी जो BMW लाए थे हम लोग वो अंदर की तरफ रख रखा होगा साथ से, एक बार वो देखते हैं। और हाँ गाइस अपना डिफेंडर भी लेकर यहाँ से निकलना चाहिए गाइस, हम लोग अपने डिफेंडर को यहीं पर छोड़ रखे हैं। ओके आग वगैरह बुझा करना भाई, बंदा ना देख रहे हो गाड़ी को यहाँ पर रिपेयर करने में लग गया है, मतलब रिपेयर होने के गाइस बाद गाइस अपने को ना बहुत ही अच्छा खासा ये कमाई देने वाला है। बाकी गाइस एक सेकेंड, ये गाड़ी चल भी रही है, मैंने ये नहीं सोचा था गाइस, मतलब यार हो सकता है इसकी बॉडी ख़राब हो गई होगी भाई, इंजन विंजन तो सब कुछ सही है। यार अपने डिफेंडर कहाँ रखा है यार बैनी? चलो ठीक है, बैनी से पूछते अपना डिफेंडर मैंने कहाँ पर पार्क किया था, इसने कहीं लगा रखा होगा,
और यहाँ से गाइस निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, सारा काम हम अपना आज का डीलरशिप का हो गया है, बाकी यार अब ना कल का दिन देखेंगे यार, बैनी संभाल लेगा। और अभी गाइस फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं डगन बॉस से मिलने के लिए। और अभी डगन बॉस से मिलना तो है, लेकिन सबसे पहले मेरे को बिल्लू दादा के पास जाना पड़ेगा। जो बंकर है ना गाइस, वहाँ पर मैंने स्टैचू रख रखा है, तो डगन का स्टैचू पकड़ना है। और कुछ सिक्योरिटी के साथ हम लोग जाएंगे, डगन से मिलने जा रहे हैं भाई। तो देखो अपना भी थोड़ा भाई रुतबा दबदबा दिखाना पड़ेगा भाई, ऐसे तो काम नहीं बनने वाला भाई। वो बॉस है तो क्या हुआ भाई, वो अपने सिक्योरिटी के साथ आएगा, हम भी अपने सिक्योरिटी के साथ जाएंगे और जा करके स्टैचू दे देंगे। और हाँ गाइस, इसी के साथ साथ उसने मेरे को कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो बात क्या है मुझे ये भी जानना है। चलो यार ठीक है, फटाफट डिफेंडर को भगाते हैं और बिल्लू दादा से मिलने के लिए चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और पता नहीं वो बंकर पर होगा भी या फिर नहीं, ये तो नहीं पता गाइस, लेकिन चलो यार हम लोग ना स्टैचू लेकर ना सीधा डगन बॉस से मिलने चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यार देखो मैं जा रहा था डगन से मिलने के लिए, बट उसने वापस से मेरे को कॉल करके बोला कि यार माइकल मैं ना तुम्हें शाम में मिलूंगा, शाम के टाइम पे आइलैंड पे। अबे यार इसका अलग ही नखरा है भाई, पता नहीं यार कभी बोलता है आ जाओ मिलने, कभी बोलता है यार थोड़े टाइम बाद आओ। चलो यार अब करे तो कर गया। वैसे गाइस चलो ठीक है, मैंने गाइस यार फ्रैंकलिन को बोला था यार ताओ चेंग के ना किसी तरीके से ना भाई नंबर निकालो। आ गाइस आपको पता होगा हमें ना मोहित से बदला लेना है, और बदला लेने के लिए गाइस हम लोगों ने क्या कुछ सोच रखा है। तो एक बार ना फ्रैंकलिन से जा करके अब मिलना क्या है भाई, यहीं पर ना रोक करके गाड़ी कॉल लगाते हैं फ्रैंकलिन को, और उससे ना भाई एक बार बात करते कि उसने क्या ताओ चेंग का नंबर निकाला क्या, क्योंकि गाइस हमें ना यूटोल शोरूम जो मोहित बनवा रहे ना गाइस वो हमें खरीदना है। चलो ठीक है, फटाफट ना एक बार हम लोग कॉल करके देखते हैं फ्रैंकलिन से बातचीत करके कि आखिरकार वो नंबर निकाला है ताओ चेंग का और कुछ कांटेक्ट पता वाता किया या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, तो गुड न्यूज ये है कि इस वक्त गाइस मैंने ताओ चेंग से बात करी है, और उसको मैंने बोला है कि भाई मैं ना तुम्हारा यू टूल वाला जो बिल्डिंग है ना वो खरीदना चाहता हूँ। तो यार वो बोला पहले कि यार वो तो मैं मोहित को पहले ही सेल कर रखा हूँ, मतलब फिर मैंने उसको भाई थोड़ा ना पैसों वैसों का ज्यादा लालच दिया है, तो फिर यार वो मान नहीं रहा था। मैंने भाई उसको बोला है, रिक्वेस्ट किया कि भाई एक बार तू मेरे से मिल ले, फिर तू डील डन कर देगा, मुझे पक्का यकीन है। तो यार उसने मना तो किया पहले, लेकिन फिर मैंने उसको मना लिया है, तो वो मेरे को भाई डायमंड कैसीनो पर बुला रहा है। तो चलो यार गाइस ठीक है, फटाफट ना गाड़ी में बैठते हैं और सीधा भाई ताओ चेंग से मिलने चलते हैं डायमंड कैसीनो पर। फिलहाल गाइस उसका मतलब पता नहीं गाइस वो हमें वो सेल करेगा या फिर नहीं, ये भी नहीं पता। और फिलहाल गाइस मुझे कुछ भी करके ना वो बिल्डिंग चाहिए यार, क्योंकि मेरे को ना मोहित को बर्बाद करना है। और मुझे पता है गाइस उसका ना यूटूल वाले शोरूम पे ना पूरा काम वाम चल रहा है गंदा वाला, और भाई शोरूम बनवा रहे बहुत बड़ा सा। लेकिन गाइस मेरा प्लान ये है कि सारा काम पे टांग अड़ाकर ना सारा काम पहले तो स्टॉप करवाऊंगा, और उसके बाद का धीरे धीरे ना वो पूरा शोरूम जो है ना भाई, बिल्डिंग जो है ना भाई, वो पूरी प्रॉपर्टी भाई मैं अपने नाम कराऊंगा, चाहे भाई मेरे को ना ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना पैसे देने पड़े। वैसे ठीक है, डिफेंडर अपने पास है तो क्यों ना हम लोग शॉर्टकट ही ले ले भाई, पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए निकलते हैं, और जितना जल्दी हो सके गाइस उतना जल्दी हम लोग भाई डायमंड कैसीनो पर पहुंचते हैं। चलो यार गाइस ठीक है भाई, पूरा ना ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए ना सीधा हम लोग भाई जल्दी से जल्दी ना डायमंड कैसीनो पर पहुंचते हैं ताओ चेंग से मिलने के लिए। ओके गाइस यार लेट्स गो, तभी ना डिफेंडर को भगाता मैं फाइनली भाई डायमंड कैसीनो पहुंच चुका हूं ताओ चेंग से मिलने के लिए। फिलहाल भाई देखो यार, पैसे कितने भी खर्च हो जाए, मुझे तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है भाई, अपना दुश्मन धोखेबाज मोहित है ना भाई, उसका जो शोरूम बन रहा है भाई वो काम रुकवाना है, और वो बिल्डिंग मेरे को खरीदना है। चलो भैया ठीक है, बाकी ना यहाँ पर पार्किंग में ना जगह वगैरह काफ़ी बड़ी भरी हुई थी, तो मैंने अपनी डिफेंडर भाई इधर ही रख दिया है। वैसे चलो यार डिफेंडर है, कोई सामने आकर कुछ बोलेगा ना भी, मतलब कुछ बोलने ही नहीं वाला भाई, भाई गाड़ी कितनी खतरनाक है। चलो वैसे ठीक है भाई, यहाँ पर ना भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है अंदर चलते हैं। बाकी जो ताओ चेंग है ना उससे बातचीत हो रखी है, तो उसने बोला था कि वो ना हमारा इंतजार कर रहा है मैनेजमेंट रूम में, तो वहीं पर जाकर ना गए उससे डील करते हैं। भैया देखो वो मानेगा या फिर नहीं मानेगा मुझे नहीं पता, बट इतना मेरे को ध्यान रखना है कि उसको अगर मनाना है ना तो जितना मोहित ने उसको भाई पेमेंट वगैरह पैसे वगैरह देने की भाई प्रॉमिस कर रखा है ना, उससे दो गुना तीन गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि उतने अपने पास है नहीं, फिर भी यार करना ही पड़ेगा अगर हमें ना वो चाहिए बिल्डिंग। तो लेट्स गो फटाफट गाइस, हम लोग ना अंदर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अंदर की तरफ मैं आ चुका हूँ। बाकी गाइस आज ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही मेरे को यार, मतलब यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ना पार्टी वाड़ी चल रही है, सारे गेस्ट वगैरह बहुत सारे आ रखे। चलो खैर हमें क्या, हमें तो भाई ताओ चेंग से मिलना है, और वो गाइस हमें ना यही मिलने वाला है। हालांकि उसने कहा था मेरे को मैनेजमेंट रूम के अंदर, यार रुको मेरे को ना पहले ना पूछना पड़ेगा किसी से कि आखिरकार जो रूम है जहाँ पर ताओ चेंग रहता है वो कहाँ पर है। हाँ यहाँ पर ना पूरा फुल पार्टी वाड़ी चल रही है, सब यहाँ पर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, वो सब छोड़ो। यहाँ पर भाई एक ना मतलब गार्ड है, तो इससे पूछते कि मैनेजमेंट रूम और ताओ चेंग किधर है। ओके चलो गाइस ठीक है, बातचीत हो चुकी है, बाकी ना हमें उस साइड की तरफ जाना है। लेट्स गो अभी ना फटाफट जा करके ना भाई ताओ चेंग से मिलते हैं। फिलहाल गाइस देखो अपने पास ना पैसे 1.6 बिलियन डॉलर, जिसमें से मतलब आधे मेरे आधे बिल्लू दादा का है। लेकिन हाँ बिल्लू दादा ने वादा किया था कि भाई देखो मोहित से ना मिलकर हम दोनों बदला लेंगे, टेंशन मत लो, जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तो भाई देखो वो तो पूरी हेल्प करने वाले मेरी,
मेरे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइज। बाकी यार देखो मैं ना इस साइड की तरफ आ चुका हूँ एंड यहाँ पर ढूंढना यार इतना बड़ा कसिनो है ना भाई, मतलब मैनेजमेंट रूम ओके ओके यहाँ पर लिखा हुआ है कि इधर की तरफ अपना मैनेजमेंट है और रेस्ट रूम्स है। ओके ओके ठीक है, बाकी ये रहा इधर रेस्ट रूम, तो मुझे लगता है मुझे और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और ये रहा मैनेजमेंट। तो चलो ठीक है, ताओ चेंगना मेरे ख्याल से इसी के अंदर होगा। ठीक है अंदर की तरफ चल लेते हैं। बाकी सीढ़ियाँ है, लिफ्ट है, लिफ्ट से जाऊँ या फिर सीढ़ी, अब सीढ़िया ही चल लेते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर कुछ वर्कर वगैरह है, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना जा करके ताओ चेंग से भाई बस ना इतना मतलब मानेगा या फिर नहीं मानेगा यार, मुझे यही ना थोड़ा सा डर लग रहा है भाई देखो, लेकिन बदला तो मेरे को लेना है। और एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आ चुका, एक मैडम जी बैठी हुई है, तो इनसे एक बार ना जा करके गाइस पूछ लेते हैं कि जो ताओ चेंग है वो किधर है, वो सर किधर है। अच्छा यहाँ पर ना इनसे पूछते हैं। ओके ओके गाइस, तो अभी ना इन मैडम जी से बातचीत हो चुकी है, बाकी इन्होंने भाई ताओ चेंग को इन्फॉर्म कर दिया कि कोई मिलने आ रखा है, और अभी ना ये कह रही है लिफ्ट चढ़कर ना सीधा तुम ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाओ और वहीं पर तुम्हें मिलेगा ताओ चेंग, लेट्स गो यार। बाकी ये वाला लिफ्ट तो बंद है, अरे यार क्या यार, चलो कोई बात नहीं, नीचे ना एक और लिफ्ट है तो उससे चल लेते हैं, क्या पता वो ओपन हो जाए। वैसे हाँ वो तो भाई 100% ओपन होगा ही होगा यार, लेट्स गो। बाकी फटाफट गाइज अभी ना, अबे ये भी लॉक, अबे क्या सीन चल रहा है भाई, रुको यार बटन वटन कुछ ना प्रेस करना पड़ेगा, एक सेकंड। चलो यार गाइज ठीक है, फटाफट अंदर चलते हैं और सीधा ना गाइज लिफ्ट के थ्रू ना हम लोग भाई सीधा जा करके मिलते हैं ताओ चेंग से। चलो भैया ठीक है, फाइनली हम लोग आ चुके हैं ताओ चेंग से मिलने के लिए उसके पेंट हाउस पे, फटाफट गाइज अंदर चलते हैं। यार गाइज एक सेकंड भाई, ये तो पूरा खाली है गाइज, एक बार ना मेरे को भाई ताओ चेंग को कॉल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भैया मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर बैठा पड़ा हूँ, तुम कहाँ पर हो भाई, एक बार ना गाइस कॉल मिला दे फटाफट। ऑल वाइट गाइस, तो जो ताओ चेंग है ना गाइस वो इस वाले रूम के अंदर है और यहाँ पर भाई मस्त अपना अकेला मजे मस्ती कर रहा है। वैसे ठीक है मैं अंदर की तरफ तो आ चुका हूँ पर यहाँ पर भी कोई नहीं है, और ये रूम, वेट ये रहा ताओ चेंग। अरे भैया कैसा हो यार, चलो यार मतलब बहुत मुश्किल है भाई इसका ना कॉन्टेक्ट वगैरह निकाल करके मिला हूँ। बाकी गाइज अभी ना इससे डील की बातें करते हैं कि हम यहाँ पर गाइज आखिरकार क्यों आ रखे हैं भाई। हालांकि देखो यार अभी ना इसको सब कुछ समझाते हैं कि भाई देखो मेरे पास ना बहुत पैसा है और मुझे चाहिए तुम्हारा ना, और मुझे चाहिए तुम्हारा यूटूल वाला बिल्डिंग जहाँ पर ना मोहित भाई शोरूम बनवा रहे हैं। अब भाई देखो मेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को जितना चाहिए उतना पैसे दूंगा, वो चीज़ ना मेरे को बस दे दे। अब तू मेरे को ये बता कि वो बिल्डिंग मेरे को तू दे रहा है या फिर नहीं, जितना मर्जी उतना पैसे मांग ले। चलो भाई ठीक है ये सोच रहा है, चलो भैया ये ना भाई सोच रहा है भाई मतलब थोड़े बहुत, एक सेकेंड अभी ना गाइस ये कह रहा है नहीं यार मैं ना तुम्हारे साथ तुम्हें सेल नहीं कर सकता, मोहित ना मेरा अच्छा फ्रेंड है, मैं उसको उसके साथ ना भाई कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहता, वो तो भाई आधी अधूरी काम भी करवा रखा है। अब यार अब गाइस क्या करें, तो साफ मना कर दिया। वेट थोड़ा ना पैसों का लालच देते हैं भाई, देख तेरे को जो मोहित है वो कितने पैसे दे रहा है, कितने दे रहा है बताना तू मेरे को। ओके ओके गाइज, तो अभी ना ये कह रहा है कि भाई देखो पैसों की बात नहीं है, वो मुझे जितना भी दे रहा हो लेकिन यार मैं उसके साथ ना धोखाधड़ी करना नहीं चाहता, वो भाई ऑलरेडी उससे बातचीत हो रखी है। यार भैया बता दो एक बार वो कितना दे रहा है भाई। अच्छा 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 भाई वो दे रहा है $2 billion। भाई देख मैं तेरे को ना टू नहीं बल्कि भाई तू तीन ले जा भाई, $1 billion मैं तेरे को ज़्यादा दे रहा हूँ, तू प्लीज़ मेरे को वो सेल कर दे। बाकी एक सेकेंड भाई, ये बंदा ना भाई $1 billion एक्स्ट्रा के लालच में भाई आकर ना नाचने लगा है। और भाई इस वक्त ना भाई इससे पहले पूछते भाई देख तू मेरे को सेल कर रहा है या फिर नहीं, पहले ये बताओ मेरे को, ये नाचना वाचना बंद करो, और अगर सेल करना चाहते हो मेरे को $3 billion में तो अब भी क्या अभी मोहित को कॉल कर और जो बिल्डिंग पे काम चल रहा है ना वो भी रुकवा और उसको ही बता दे कि भाई मैं तेरे को सेल नहीं करना चाहता, जल्दी कर। और गाइस इस वक्त ना अब आने वाला है भाई मजा, अभी तो भाई असली तमाशा स्टार्ट हुआ है भाई। साले गद्दार को मतलब दोस्त समझता था उसको यार, लेकिन कोर्ट में जो उसने कांड किया था ना मेरे साथ भाई वो अब रोने वाला है भाई, उसका सब कुछ छीनने वाला है, इतना मेहनत करके पैसे वैसे खर्च। भाई देखो ये कॉल भी कर दिया भाई, मुझे लगता है ना अब तो भाई काम वाम रुकने वाला है और वो बिल्डिंग भी हमारा हो जाएगा भाई, बस ना पैसा को जुगाड़ करके इसको दे देंगे। चलो ठीक है अभी ना फटाफट काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर मस्त बैठते हैं और अभी ना थोड़ी मीटिंग और चलेगी, बातचीत चलेगी, बाकी देखिए पैसे वैसे फिर हम लोग बाद में देंगे इसको, पहले डील तो पूरी तरीके से भाई लॉक हो जाए अपना। बाकी ये समझाया जा रहा है और ये अभी किसको कॉल किया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ना भाई ये मना कर रहा है कि भाई मेरे को वो बिल्डिंग बेचना नहीं है, मैं किसी और को सेल कर रहा हूँ और काम वाम रुकवा रहा है। ओके ओके गाइस, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, ये कह रहे कि मैंने ना बिल्डर को मतलब जो वहाँ पर शोरूम बना रहे ना उस बंदे को कॉल करके बोल दिया है कि काम अब भी क्या भी रोक दो, और मोहित को भी कॉल कर दिया है कि मैं तुम्हें ना वो जगह बेचने नहीं वाला, मैं किसी और को सेल कर रहा हूँ। तो ये कह रहे वो भाई चिढ़ गया है और वो यहाँ पर मिलने आ रहा है,
अबे आने दे भाई, डरता वरता नहीं हूँ मैं किसी से। चलो गाइस ठीक है भाई, $3 बिलियन का सवाल है भाई, मतलब $1 बिलियन ज़्यादा मिलेगा इसको तो भाई, इसके लिए तो भैया कुछ भी कर बैठेगा यार। तो हम लोग कैसे यहाँ पर बैठ कर ना इंतज़ार करते हैं, और अगर पता नहीं कैसे यहाँ पर क्या लफड़ा होने वाला है, लेकिन लफड़ा ना कुछ ज़्यादा गलत होने वाला है मुझे लग रहा है ऐसा। चलो यार गाइस ठीक है भाई, अभी ना इंतज़ार करता करता काफ़ी टाइम हो गया भाई, साला वो कब तक आएगा। हेलो 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 ताऊचेंग, हेलो ताऊचेंग भैया कहाँ हो यार। हेलो ताऊचेंग, हो भाई भाई क्या हुआ भाई तेरे को, मतलब क्या भाई मैं पागल बैठा हूँ क्या, मेरे मुंह पे पागल पागलपंती दिख रही है क्या, पूरा शोरूम बन चुका है, 90% शोरूम बन के रेडी हो चुका है, क्या पागल हूँ क्या मैं यहाँ पे, तू मुझे पहले बोल देता। अबे वो चिल्ला किस पे रहा है भाई, शांति से बात करना। ओए हेलो कौन, अबे वसीम भाई क्या कर रहा है तू इंसान, तेरे को क्या लगा मैं तेरे को ऐसे ही छोड़ दूंगा, अबे बर्बाद करके छोड़ूंगा मैं तेरे को। भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई, क्यों मेरे शोरूम के पीछे लगा हुआ है यार, मैंने तेरे को कुछ बोला है क्या, क्या बिगाड़ा है। अबे तू भूल गया, तू साले काम निकाल करके बोला दोस्ती कर लेते हैं, और कोर्ट में जाके गद्दारी जो कर ये भूल गया तू। भाई वो कोर्ट वाली बात अलग है, ये शोरूम की बात अलग है भाई, मैंने पूरे जीवन भर की कमाई लगा रखी है शोरूम पे भाई, क्या कर रहा है भाई मैं नहीं जानता। मैं भाई साहब जिसका बिल्डिंग है, जिसका भाई वो प्रॉपर्टी है, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और उससे खरीद रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों चिल मचिए भाई। अबे तू सब भूल गया क्या ताऊचेंग, भैंस की डंग जो मैंने तुझे डगन से बचाया वो सब भूल गया क्या, बस यही तक थी दोस्ती। अबे गाइस यार ये बंदा भी ना मना कर रहा है भाई, इसके सामने मेरे को एक चीज बता भाई, मैंने तेरे को कुछ बोला था क्या, चल चल ठीक है एक काम कर, फिर जितने पैसे मैंने लगवाए हैं शोरूम के ऊपर वो तो दे। अबे क्या पैसे वैसे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला है, तू यहां से जाना भाई। क्या हो रहा है यार यहाँ पे, मैंने भाई उसके ऊपर 100 करोड़ ऊपर लगा दिया मैंने भाई, पागल है क्या मैं। अबे भाई मैं इसको $3 बिलियन दे रहा हूँ भाई, कहाँ यार निकलना यहाँ से यार, ये मेरे को ही देगा तो भाई एक काम करना, जो मेरे बिल्डर ने शोरूम बनाया वो मेरे को पैसे दे दे भाई, निकल निकल निकल, मुझे नहीं पता भाई। अबे तू है कौन, तू है कौन पहले ये बता मेरे को, धोखेबाज निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को। अबे निकलना साले छपरी गई का बंदर गई का। चलो यार ताऊचेंग भैया इसके साथ क्या ही टाइम वेस्ट कर रहे भाई, देख बेचना तो तू मेरे को बेच रहा है, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, बस जाकर ना जगह वगह दिखा और वो जगह ना मेरे नाम कर दे भाई। चलो गाइस ठीक है, बाकी इस वक्त भाई मोहित को ना भाई इस हालत में देख कर ना भाई मजा आ रहा है भाई, साले ने धोखा जो किया था भाई, मतलब काम निकालने के बाद जो अपने को फंसाया था ना भाई रिकॉर्डिंग वगैरह करके ना, बाकी ठीक है वो बोल रहे हैं कि इस साइड की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। चलो ठीक है गाइस फटाफट हम लोग यहाँ से ना निकलते हैं, और अभी ना ये मेरे को ना वो यूटोल स्टोरूम है ना वो जगह दिखाने के लिए लेकर के जा रहा है, तो ठीक है फटाफट यहाँ से निकलते हैं। चलो भैया ठीक है यार, अभी ना हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर डिफेंडर में बैठ करके सीधा जा रहे हैं भाई, मतलब जो यूटोल शोरूम है ना भाई, जो उसको मोहित ले रहा है उसको देखने के लिए। अब भाई वहाँ पर सिर्फ देखने नहीं जा रहे भाई, पैसे वैसे देंगे और खरीद भी लेंगे। साला भाई मेरे को ना बस मजा आ रहा है भाई, मोहित का रोना धोना देख करके भाई, देखो बंदे ने कॉल किया भाई मैं तेरे को सेल नहीं करने वाला, मैं किसी और बंदे के दे रहा हूँ भाई, वो बंदा ना सीधा दौड़ता भगता भाई सीधा आ गया भाई, क्या ही बोलूं यार। चलो गाइस ठीक है फटाफट हम लोग यहाँ से भाई गाड़ी में बैठ करना, भाई ताऊचेंग भैया चला रहा है, तो हम लोग यहाँ से गाइस सीधा हम लोग निकलते हैं ना यूटोल शोरूम पे जाकर देखते हैं भाई उसने क्या कुछ काम करवाया है, और फिर गाइस पैसे वैसे देखने के बाद ना पैसे वैसे देकर ना वो जगह भाई सीधा अपने नाम करवा लूंगा। लेट्स गो निकलते हैं लोकेशन के लिए। चलो भैया ठीक है यार, फाइनली ना डिफेंडर को लेकर ना हम लोग भाई पहुंच चुके हैं शोरूम के पास, बाकी एक सेकेंड। चलो भैया ठीक है, और वेट यार हमारे पीछे ये लैम्बोर्गिनी लेकर के कौन आ रहा है भाई, भाई मुझे लगता नहीं ये पक्का मोहित है भाई, इसको ना भाई इतना सदमा लग गया ना भाई, इसको डर कि मैं खरीद ना लूँ भाई, बंदा ना पीछा करता करता भाई यहाँ तक आ गया मनाने के लिए। हाँ भाई निकल ले साले छपरी, मैं नहीं मानने वाला। चलो ठीक है, ये ताऊचेंग कह रहा है यहाँ पर सारा काम वगैरह रुकवा दिया है, और बाकी ताऊचेंग वगैरह कह रहे कि वो बंदा ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम वगैरह पहले ही करवा रखा है, तो भाई बढ़िया बात है ना भाई, काम वाम करवा रखा है और हम लोग आकर के बीच में भाई टांग अड़ा रहे हैं भाई, यही तो मजे की बात है। बाकी एक सेकेंड, ताऊचेंग कह रहे यहाँ पर ना उसका नाम वगैरह लिखा है मोहित गेमिंग। अरे सुनो भैया ये सब ना सब कुछ ना खत्म चाहिए मेरे को, ठीक है ना, तभी मैं पैसे वैसे दे करके खरीदूंगा भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला भैया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर भाई पूरे काम वगैरह रुकी पड़ी है, सारे वर्कर वगैरह यहाँ पर भाई ट्रक वगैरह पलट उलट चुकी है भाई, एक दो तो पता नहीं यार गुस्से में निकल गए होंगे भाई, इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट थी और भाई बीच में काम बंद करवा दिया ने इसीलिए। चलो ठीक है, बाकी यार और क्या कुछ यहाँ पर काम वगैरह हो रखा है वो बताओ यार। चलो भैया ठीक है यार, बाकी ना ताऊचेंग अभी कह रहा है
यार ये बंदा तो पीछे ही पड़ गया भाई, पीछे छुप छुप के देखो कैसे हमारी बातें सुन रहा है। अरे भैया देखो यार, बेचारा बंदर कहीं का। चल यार अभी ना लंबी लंबी थोड़ी फेंकनी है, ठीक है ना गाइस। अगर ये सोच है ना कि मैंने $3 मिलियन ऑफर किया है, ये बाद में जाकर अगर 4-5 बोलकर खरीदना चाहे भी ना, तो भाई ऐसी ऐसी लंबी लंबी फेंकेंगे ना गाइस कि ये भाई घंटा खरीद नहीं सकता। बाकी ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पूरा मतलब थोड़ी बहुत काम हुई है, बाकी यहाँ पर कुछ बना वना है नहीं यार। चलो कोई ना, ये तो हम लोग बाद में बनवा लेंगे। बाकी एक सीन गाइस, वो बंदा ना सुन रहा है क्या? इधर ही कहीं तो था। अच्छा इधर, ओके साइड में गाइस लेट करके सुन रहा है। अरे ताऊचिंग भैया सुनो, मैं क्या कह रहा था ना कि अगर ना भाई मतलब ज़्यादा पैसे चाहिए होगा ना भाई, 7-8 बिलियन डॉलर भाई, उतना भी मैं तेरे को दूंगा, लेकिन ये जगह ना भाई मेरे को ही चाहिए। अबे सुन, मजाक कर रहा हूँ तो भाई वो सुन रहा है, इसलिए मैं मजाक कर रहा था। सीरियसली मत लेना, 3 बिलियन से ज़्यादा मैं देने नहीं वाला भाई। चलो यार अभी ना वो बंदा भी सोचेगा भाई 7-8 बिलियन डॉलर देकर के ये बंदा खरीदने की बातें कर रहा है, ताकि अरे गाइस वो कभी ना मतलब आ करके इसको भाई ज़्यादा का ऑफर ही ना दे भाई। चलो भैया ठीक है यार। बाकी ना अभी ना और आगे देखते भाई, कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था भाई, सब कुछ ना मैंने बीच में तांग अड़ा करना भाई, मोहित को रुला ही दिया भाई। देखो यार उसने गद्दारी करी, धोखेबाजी करी है दोस्ती के भाई, दोस्त बोलकर भाई क्या कुछ नहीं किया अपने साथ, तो यार उसके साथ इतना करना तो बनता था। बाकी ठीक है, ताऊचिंग भैया बोल रहे हैं यहाँ पर ना वो बहुत बड़ा सा पार्किंग वगैरह बनवा रहा है, जहाँ पर बहुत से कार्स की स्टॉक रखने वाला था। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब तो भाई ये हमारे नाम होगा। और हाँ भैया, ये ना ये जो लिखा है ना मोहित गेमिंग, ये उखाड़ कर ना भाई ऐसा फेंकना ना कहीं दिखाई ना दे दूर दूर तक, ठीक है ना। चलो भैया ठीक है, पैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई चलो ठीक है गाइस, बाकी वो देखो भाई वो बंदा भगता भगता कहाँ जा रहा है, उसको लग रहा है गाइस हमने उसको देख नहीं रखा है। भाई देख तू चेहरा छुपा ले, कुछ भी कर ले भाई, हमने देख रखा है। चलो ठीक है गाइस, अभी ना लंबी लंबी तभी हम लोग फेंक रहे हैं भाई। और भाई यहाँ पर जितने भी ना उसके नाम का चीज़ें ना भाई, सब कुछ हटा देना, उखाड़ कर फेंक देना भाई। ये सुनकर ना गाइस उसकी ना बहुत जल रही होगी भाई, मज़ा आ रहा है मेरे को तो। चलो गाइस ठीक है, बाकी ये कह रहा है कि यहाँ पर भैया तुम ना बैनी के लिए काम वाम करवाने के लिए यहाँ पर रख सकते हो उसको, ठीक है। मतलब पूरा ना मज़ेदार है भाई, एंड इसको हम लोग भाई उखाड़ कर फेंक देंगे। चलो यार मतलब ना यहाँ पर ये जगह भी ना काफ़ी बढ़िया है, मतलब बना बनाया चीज़ हमें मिल रहा है, और थोड़े से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, पर यार क्या कर सकते हैं। हमें भाई मेनली ना ये हमें खरीदने का मन नहीं था, लेकिन हम ना सिर्फ उसे मोहित को ना सबक सिखाने के लिए ये खरीद रहे, पैसे खर्च कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं गाइस। और ये कह रहे कि भैया तुम ना फटाफट से बाहर की तरफ आ जाओ और तुम्हें चीज़ें दिखाता हूँ। बाकी इसको देखो भाई, ये साला छपरी को लग रहा है मैं इसको देख नहीं पा रहा भाई, कैसे लेटा पड़ा है। चलो भाई इसको ना देख के भी हम देखा करते हैं भाई, हंसी आ रही मेरे को भाई, बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, ये कह रहे यहाँ पर गाड़ियों की पार्ट्स वगैरह वो रखने के लिए बनवाया, तो एक बार अंदर जाकर देखते हैं भाई। ओ हो भाई, बंदे ने क्या कुछ इंतजाम कर रखा है भाई, ये भी बढ़िया है, एंड यहाँ पर भी लोग अपना लगवा रहे, कैसा ये भी उखाड़ कर फेंकेंगे अपना लगवाएंगे भाई ये खरीदने के बाद तो। चलो यार ठीक है, बंदा ना बाहर से 100% सुन रहा होगा। यार भैया देखो यार, मैं नहीं जानता बंदा भाई ये ऑफर देने के बाद वो क्या कुछ करने वाला है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है ना। तुम्हें डरा धमका सकता है, तुम्हें मार भी सकता है, हालांकि मारेगा नहीं, उसकी उतनी औकात नहीं है, ठीक है ना। पर यार देखो, अगर ना वो तुम्हें ज़्यादा पैसे भी ऑफर करे ना, तो भाई मेरे को कॉल करना पहले भाई। देख ये जगह ना मेरे को किसी भी हाल में चाहिए, और चाहिए ही चाहिए भाई, उसके नाम होनी नहीं चाहिए, मेरे नाम होनी चाहिए। चलो गाइस ठीक है, मैंने इसको समझा दिया है। बाकी हाँ गाइस, ये ना अपने साथ तो धोखा करेगा नहीं भाई, क्योंकि देखो ये ना जानता है अपने को बहुत अच्छे तरीके से, अगर कुछ किया ना भाई धोखे वगैरह करने की कोशिश सोचा भी ना भाई, तो इसकी ना बैंड बजा देंगे। तो यहाँ पर गए सारी कार्स की पार्ट्स वगैरह वो रखने का सोच रहा था, लेकिन ये जगह खरीद कर भाई अब हम रखेंगे भाई। चलो भाई ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। और अभी भाई और क्या देखना भाई, पैसे वैसे का जुगाड़ करते हैं, इसको लेते हैं भाई। चलो भैया ठीक है, ताऊचिंग से ना सारी बातें हो चुकी है, और अभी ने गाइस ये मेरे को कह रहा है कि भैया पैसे वैसे का जुगाड़ करना शुरू कर दो, और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी ये जगह ना भाई अपने नाम करवा लो। वैसे क्या तो सही रहा है भाई, देखो वो जो बंदा है ना मोहित, वो भाई पैसे वैसे उसको दे नहीं रखा भाई, थोड़ा बहुत दिया होगा एडवांस वगैरह, और बस कुछ दे नहीं रखा है। तो ये कह रहे कि तुम जितना जल्दी मेरे को पेमेंट दे दोगे ना, उतनी जल्दी मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा। तो भाई मैं इससे ना कम से कम 2 हफ्ते का या फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो ठीक है गाइस इन 1-2 हफ्तों में ना मैं $3 बिलियन जुगाड़ करूंगा। मतलब हाफ तो गाइस अपने पास पड़ा है, 800 मेरा, 800 बिल्लू दादा का, तो भाई $1600 मिलियन हो गया, और बाकी $1400 मिलियन का जुगाड़ करना है, तो वो इजीली हो जाएगा भाई, कहीं से उधार ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बाकी चलो यार ये जगह ना बहुत जल्द गाइस अपना होने वाला है। वैसे गाइस देखो, आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताना भाई, मोहित ने अपने साथ धोखाधड़ी किया था कोर्ट में भाई, हम लोग उसके साथ ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, मुझे ना भाई कमेंट करके जरूर से बताना यार। चलो ठीक है, बाकी ये बंदा भाई पागल हो गया भाई हमारे पीछे, मतलब देख रहे हो भाई मार साले को भैंस। चलो यार गाइस ठीक है भाई, बंदे को ना पूरा फुल गुस्सा आ चुका है भाई, मतलब देख रहे हो अपने लैम्बो से ना भाई ठोके ही जा रहा है। अबे ताऊचिंग मैंने बोला था ना भाई, ये बंदा कुछ भी करेगा ये जगह पाने के लिए, भाई थोड़ा इससे बच के रहियो भाई, ठीक है ना। और इससे मिल जाओ मत, ये अगर कॉल करके बुलाए भी ना मैं तेरे को ज़्यादा दूंगा, इधर आओ मिलने के लिए, तो भाई जाइयो मत भाई, ये बंदा बहुत थोड़ा ना है भाई, तेरे को ठोक ठाक देगा।
तो भाई देख वो जगह मेरे को चाहिए, मैं तेरे को एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर पैसे वैसे दे दूंगा। चलो यार गाइस ठीक है, पैसों का डील हो चुकी है, जगह का भी डील हो चुकी है, देख लिया है, और अब ना गाइस पैसों का जुगाड़ करना है और वो जगह अपने को लेना है। चलो ठीक है, ताओ चेंग को डायमंड कसीनो छोड़ देंगे और हम लोग गाइस अपने काम से निकलते हैं पैसे जुगाड़ करने के लिए। लेट्स गो गाइस, निकलते सीधे हम लोग लोकेशन के लिए। ऑल राइट गाइस, तो ताओ चेंग को मैंने उसके लोकेशन पर छोड़ दिया है और इस वक्त गाइस हम लोग ना पहुंच चुके अपने बंकर के पास। बाकी यार मैं ना बिल्लू दादा को कॉल करने की कोशिश भी किया दो तीन बार, लेकिन यार पता नहीं वो कॉल क्यों नहीं उठाया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस। हाँ लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग भाई उसके बंकर पर एंट्री तो ले ही सकते हैं भाई, क्योंकि देखो हमारे को एक्सेस दे रखा है। वैसे गाइस देखो यार मुझे ये नहीं पता कि ये जो बंकर का दरवाजा है भाई ये बिना बिल्लू के खुलेगा या फिर नहीं, बट मैं पहुंच चुका यार, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर देखते हैं और सीधा ना अंदर चलते हैं। वैसे देखो यार यहाँ पर ना कैमरा वैमरा लगा है और ये फेस रिकॉग्नाइज करके भाई ये ऑटोमेटिकली ना ओपन कर देता है अपनों के लिए। लेकिन एक स्कैन भाई, ये हेयर स्टाइल वगैरह मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, तो कब पता नहीं यार ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा या फिर नहीं। ओके गाइस चलो ठीक है, अनलॉक हो चुका है और अभी गाइस हम लोग फटाफट से अंदर चलते हैं। बाकी यार गाड़ी में यार गाड़ी को सीधा अंदर ही लेकर चलते हैं भाई, अंदर ही खड़ा कर देंगे। वैसे यार बाहर रहेगा ना तो लोगों को फालतू में पता चलेगा कि माइकल यहाँ पर आ रखा है, और लोगों को पता चल सकता है कि भाई ये जो बंकर है ना ये माइकल का है। और बिल्लू ने कहा था कि इस बंकर के बारे में किसी को पता लगने नहीं देना है, और अगर पता लग गया ना माइकल का है ना तो और ज़्यादा लफड़ा होगा यार। तो हाँ हमें तो भाई बिल्कुल भी ये ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, वैसे डिफेंडर लेकर मैं सीधा अंदर आ चुका हूँ एंड लेट्स गो यार। बाकी अगर यहाँ पर ना गाड़ी खड़ा करने के लिए ना गाइस जगह की कमी नहीं है भाई, यहाँ पर लैंड क्रूज़र और रूबीकॉन है, रैंगलर है, पता नहीं रैंगलर या रूबी कौन है मुझे नहीं पता, पर हाँ गाड़ियाँ काफ़ी तगड़ी तगड़ी है यार अपनी सिक्योरिटी के लिए। चलो ठीक है गाइस इसको यहाँ पर रखते हैं। एंड अभी ने गाइस हमें डगन से जाकर के मिलना है, उसको भाई स्टैचू देना है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो वो गाइस मेरे को बुला रहा है आइलैंड पर। मतलब गाइस आपको याद होगा वो ना गाइस हमें बहुत पहले एक आइलैंड गिफ्ट किया था, और भाई उस पे ना हम लोग भाई अपना अच्छा खासा एनएसजी सिक्योरिटी के साथ रहा करते थे, लेकिन लड़ाई के बाद में वो आइलैंड हमसे छीन लिया था भाई, वहीं पर बुला रहा है। चलो यार गाइस ठीक है भाई, लग गया था अगर वो आइलैंड अपने को वापस मिल गया ना गाइस तो आज तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी ठीक है पूरा फुल सिक्योरिटी है यार, इनसे पूछता हूँ बिल्लू दादा किधर यार, वो दिखाई नहीं दे रहे आज। अच्छा 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 बिल्लू दादा ना भाई जा रखा है कुछ इंपॉर्टेंट काम से कहीं, कहाँ गया है ये नहीं पता है भाई, वो ना किसी को बता के नहीं जाता भाई, वो ना उसका ना एक अलग ही दिमाग में चीज़ें चलता रहता है, टकला सा है भाई बंदा, और लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग है भाई उसके अंदर यार। वैसे हाँ एक सेकंड मैं थोड़ा सा भूल सा गया यार, मैंने अपनी स्टैचू वगैरह कहाँ रखा था एक बार यार, बिल्लू कॉल भी नहीं उठा रहा यार, मैंने कहीं ना कहीं तो देखा था। चलो ठीक है यार इन्हीं में से कोई एक रूम में तो होना चाहिए। चलो यार गाइस ठीक है, जहाँ तक मुझे आइडिया ना मैंने लास्ट टाइम ना जो स्टैचू था ना वो इसी वाले रूम के अंदर देखा था, और यहाँ पर है भी या फिर नहीं ये गाइस तो मुझे नहीं पता है यार, पूरा खाली खाली सा लग रहा है। चलो यहाँ से चलते, नहीं 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 एक सेकंड यहाँ पर शायद से रखा हुआ है। ओके गाइस लेट्स गो, फटाफट ने स्टैचू को बैग में डालते हैं और डगन से मिलने चलते हैं भाई। चलो अच्छे अच्छी बात है मेरे को बिल्लू को कॉल करना नहीं पड़ा, बिल्लू दादा को, और ऐसी गाइस अपने को मिल चुका है। हाँ ठीक है फटाफट इसको उठाते हैं और चलते हैं डगन बॉस को देने के लिए। ओके गाइस तो स्टैचू हम लोगों ने बैग में डाल लिया है पैंथर स्टैचू को, और साथ ही डगन को भी कॉल मिला लिया है। तो भाई देखो इस वक्त ना वो आइलैंड पर है और हमारा इंतजार कर रहा है। चलो गाइस फाइनली काफ़ी टाइम बाद गाइस हम लोग डगन बॉस से मिलने जा रहे हैं, वो भी अपने गिफ्ट किए हुए आइलैंड पर, मतलब जो उसने अपने को गिफ्ट किया था उस आइलैंड पर। भाई देखो बहुत टाइम हो गया गाइस, आइलैंड का क्या नज़ारा है मुझे कुछ नहीं पता है, तो यार ठीक है फटाफट जाकर देखते हैं। और भाई उस आइलैंड पे गाइस हम लोगों ने अपने लिए एक मैंसन प्यारा सा बनवाने वाले थे, लेकिन यार सारा कुछ होने से पहले पहले भाई जो लड़ाई अपनी हुई ना भाई यार उसने सब कुछ भाई तबाह कर दिया था। वैसे ठीक है अभी वापस से दोस्ती हो जाए ना भाई तो भाई मज़ा आ जाएगा। चलिए ठीक है फटाफट यहाँ से निकलते हैं, और इस वक्त गाइस मेरा मन कर रहा है ना कुछ दूसरी कार चलाने का भाई, डिफेंडर बहुत चला लिया भाई, मतलब सुबह से चलाते आ रहे हैं। एंड लैंड क्रूज़र नहीं यार ये तो सिक्योरिटी के लिए है, तो भाई ये भी नहीं चलाते यार, एक काम करते भाई जीप रूबीकॉन ही चला लेते भाई। देखो यार ये गाड़ी ना इसका एक अलग ही लेवल का मज़ा है भाई, इसको ही चलाते हैं। चलो ठीक है फटाफट यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी को निकालते बाहर, बाकी सिक्योरिटी के साथ जाऊँ या फिर बिना सिक्योरिटी के जाऊँ। वैसे देखो यार डगन बॉस से मिलने जा रहे हैं और आइलैंड पर जा रहे हैं, और वहाँ पर आइलैंड पे गाइज अपनी एनएसजी सिक्योरिटी पुरानी वाली रहा करती है, तो भाई वहाँ पर किसी से डर नहीं है भाई, तो सिक्योरिटी लेके जाना है, मतलब यार फालतू का टाइम बर्बाद करना रास्ते में। चलो यार ठीक है हम लोग ही फटाफट ना रूबीकॉन को भगाते हैं और यहाँ से भाई सीधा निकलते हैं डगन से मिलने के लिए। चलो यार गाइस ठीक है भाई, पूरा फुल एक्साइटेड होकर ना मैं भाई साहब पहुंचने वाला हूँ डगन बॉस से मिलने के लिए और अपने पुराने आइलैंड को देखने के लिए भाई, जो कि हम लोगों ने भाई काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर भाई बनवाने का सोच रखा था, सपने देखा था, भले वो गिफ्टेड था लेकिन यार एक तरीके से गाइस हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ करने का सोच रखा था, लेकिन बीच में हमसे छिन गया था। वैसे ठीक है
फाइनली इस वक्त हम लोग भाई वापस आ चुके हैं। और अभी ने गाइस एनएसजी सिक्योरिटी अपनी पुरानी वाली, वैसे चलो यार अब तो भाई डगन बॉस के कब्जे में सहारे है, लेकिन हाँ अभी ने गाइस हमें अंदर जाने की परमिशन है और हम लोग भाई जा सकते हैं, क्योंकि अभी भाई एनएसजी वाले ना पता है इनको कि भाई कौन आया है रूबी कौन लेकर के। चलो ठीक है फटाफट यहाँ से निकलते, बाकी अपनी गाड़ी भी यार कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी यार आइलैंड देखो यार हर जगह कितनी ज़्यादा बंदे पूरा ना लगा रखा है, सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट है भाई। हेलीकॉप्टर भी है, अगर आसपास कोई हमला किया तो भाई सीधा ये लोग भाई उड़ा ही देंगे भाई। और भाई यहाँ पर भी देखो कितनी सारी चेकिंग भाई, मतलब ना वो भाई आप यहाँ पर ना अलग से भाई यहाँ पर लोग चलते फिरते चेकिंग वेकिंग कर रहे, सिक्योरिटी कर रहे। चलो यार हमें तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम तो भाई यहाँ पर गेस्ट के तौर पर आए और डगन ने भाई हमें बुलाया है भाई। चलो ठीक है भाई अपने आइलैंड में गाइस हम लोग आ करना, भाई अजीब सा लग रहा है यार काफ़ी टाइम बाद आए ना, वैसे जाना किधर है मुझे ये नहीं समझ आ रहा गाइस। बाकी ठीक है हाँ गाड़ी को लेकर ही चल लेते हैं, और मेरे ख्याल से डगन यही आसपास तो होनी चाहिए भाई। ओके गाइस डगन बॉस से बात हुई मेरी, वो कह रहे कि वो ना पार्टी वाले जगह पर है। चलो ठीक है गाइस लाइटिंग जहाँ पे जल रही ना गाइस वहीं पर हमें मिलने वाला है, तो ठीक है गाइस फटाफट ना गाड़ी को लेकर वहीं पर चलते हैं। वैसे गाड़ी यहाँ पर आराम से रख देते हैं कहीं पर भाई, सीधा ना उतर कर ही चल लेते हैं भाई। गाड़ी को लेकर भाई हम लोग कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे यार, रुक जाओ। वैसे यार यहाँ से ना हमें जंप करके उधर जाना पड़ेगा, कैसे आए भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है यहाँ से एक जंप मारते हैं, लेट्स गो। बाकी गाइस हमें ना उस साइड से चढ़ना पड़ेगा भाई, पता नहीं यार रास्ता क्यों ही नहीं बनाया भाई इन लोगों ने, चलो दौड़ना पड़ रहा है अपने को। वैसे यार ठीक है भाई ये जगह भी आपको याद होगा गाइस हम लोग यहाँ पर रहा करते थे, रेस्ट किया करते थे यानी यहाँ पर पार्टी वार्टी के लिए। चलो यार यहाँ पर ना गाइस हम लोगों ने मैंसन वगैरह बनवाने का ना काफ़ी कुछ सोच रखा था, लेकिन ये आइलैंड ही हमसे छीन चुका है तो यार क्या ही बोले यार। चलो अगर डगन वापस दे दे तो भाई बल्ले बल्ले, वरना भाई साहब क्या ही कर सकते भाई। वैसे वापस दे देना भाई तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ बनवाने का जो भी सोचा था ना भाई, गैंग बेस वगैरह सारा कुछ मैं यहीं पर बनवाऊंगा, अपने लिए मैंसन भी यहीं पर बनवाऊंगा। साला यार इतना लंबा मेरे को दौड़ना पड़ेगा ना गाइस, मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे को ना सीधा ना रूबीकॉन को भाई यहाँ पर चढ़ाई देना था, वैसे क्या ही जाता। बाकी यहाँ पर देखो यार सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है भाई पूरा ना, मतलब हर जगह हेलीकॉप्टर हर जगह एनएसजी कमांडो लगे पड़े। और एक सेकेंड यहाँ से सांस अपने को नीचे जाना है और डगन यहीं पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो भाई साहब ठीक है शाम भी होने वाला है, और अभी ने कहा जल्दी जल्दी से जा करके डगन बॉस से बात करते हैं। वो देखो भाई सामने ना मस्त यहाँ पर सनसेट देख रहा है। चलो ठीक है बाकी यार एक ही सेकेंड अभी हम लोग बैठ के बातें करते हैं, बाकी इसका ध्यान कहाँ है भाई। चलो यार गाइस ठीक है भाई अभी ना हम लोगों ने पैंथर स्टैचू जो कि हम लोगों ने भाई जिम्मी को बचाने के लिए चोरी किया था, मतलब चोरी करवाया था किसी ने, और वो स्टैचू हम लोगों ने ला करके भाई डगन बॉस को वापस सौंप दिया है, क्योंकि ये स्टैचू इसी का था। और फिलहाल गाइस अपने बीच का जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जिस वजह से लड़ाई हुई थी ना भाई, सारा मामला भाई सॉल्व हो चुका है। लेकिन अभी ना भाई डगन बॉस ना कुछ और भी बातें करने के लिए बुलाया, तो भाई वो बातें क्या है यार फटाफट थोड़ा बताओ तो सही। ओके गाइस तो इस वक्त ना डगन से सारी बातें हो चुकी है, और अब मुझे थोड़ा समझ आया है कि आखिरकार इसने भाई मेरे को वापस बचाया क्यों था लास्ट टाइम अंडर वाटर माफिया और मास्क मैन के चमचों से, और भाई स्टैचू वापस लेने के बाद माफ़ क्यों कर दिया, मुझे थोड़ा समझ आ रहा है भाई। इसको अभी ना गाइस ज़रूरत पड़ी है मेरी, ये कह रहा है कि माइकल मेरा ना एक बहुत ही खास हैकर है जो कि इस वक्त प्रिजन में है, और इस वक्त ये कह रहा है कि तुम्हें किसी भी हाल में ना उसको बाहर निकालना है, और इसके बदले में गाइस ये कह रहा है ना कि हम दोनों मिलकर ना एक बहुत तगड़ी हाइस्ट प्लान करने वाले हैं जिसमें से 50% हिस्सा तुम्हारा होगा जितना भी हम लोग चोरी करेंगे भाई, समझ रहे हो। मतलब बंदा ने गाइस ज़रूरत पड़ने पर भाई मेरे को बचाया, और बाकी टाइम पर भाई मतलब एक छोटी सी गलती कारण जो कि भाई हमने जानबूझकर नहीं करी थी, हमसे करवाया गया था, उसके कारण भाई ये बंदा भाई हमसे दुश्मनी करी, हमने मारा था और अपने सिक्योरिटी से मरवाया था, और अभी देखो भाई ज़रूरत पड़ने पर ना ये अपने को माफ़ भी कर दिया है, और अभी बोल रहा है कि हेल्प करो मेरी उस हैकर को निकालने में प्रिजन से, और बदले में गाइस ये कह रहे कि जो हम लोग चोरी करेंगे ना रोबरी करने वाले ना उसमें से 50% हिस्सा तुम्हारा होगा। भाई मैं क्या करूँ यार, आप लोग बताओ यार ये डगन ना कोई काम का है भी मेरा या फिर नहीं यार, मतलब ज़रूरत पड़ने पर याद आया, और बाकी टाइम पे भाई ये ना घंटा इसको फ़र्क नहीं पड़ता यार, सिर्फ और सिर्फ ना काम के टाइम ही माइकल इसको याद आता है। फिलहाल देख कैसे रहा है,
मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है भाई, मतलब जरूरत पड़ने पर जो मेरे को बुलाया, जो मेरे को बचाया ना भाई, उससे पहले भाई इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था, बस इसी बात से ना मेरे को गुस्सा आया है। फिलहाल आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, इसकी बातें माननी चाहिए। और जो ये बोल रहा है कि जो हैकर है उसको, इसका जो खास हैकर है उसको प्रिजन से बाहर निकालने चाहिए और डगन के साथ देनी चाहिए, या फिर नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस इसने गलत किया यार, जरूरत पड़ने पर माइकल की याद आई इसकी, यार मैं क्या ही बोलो भाई, क्या ही बोलो। फिलहाल आप लोग ही गाइस जाकर ना मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें इसकी हेल्प करना चाहिए, इसके साथ देना चाहिए और हैकर को बचाना चाहिए कि नहीं, प्रिजन से निकालना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस ठीक है, करते इस वाले वीडियो के एंड। उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो अच्छी लगेगी, जाकर के लाइक कर दो। इस वाले वीडियो पे 18,000 का लाइक टारगेट है, जितना जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी गाइस नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। और हां गाइस साथ ही साथ ना मुझे इंस्टाग्राम में भी जाकर गाइस फॉलो कर लो, वहां पर भाई आपको बताते रहता हूं कि जीटी की वीडियो कब किस दिन आने वाली है। तो भाई देखो सबके सब जिन जिन लोगों ने अभी मुझे फॉलो नहीं कर रखा है ना गाइस और बातें करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जाओ अभी कभी ना इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे रखा है। जाओ गाइस फटाफट से आ जाओ यार, बातें करते हैं। और भाई जीटी की वीडियो कब आएगी ना सब कुछ मैं आपको वहीं पर बताता रहता हूं, क्यों लेट हो रहा है और वीडियो कब आएगी सब कुछ आपको वहां पर बताते रहता हूं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।